उसके साथ कंटिन्यू जुड़े रहते हैं, कंटिन्यू जुड़े रहते हैं तो हम उस पर अमल भी करते हैं, हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम रोजे भी रखते हैं। लेकिन जब हम ब्रेक करते हैं, ब्रेक करते हैं तो फिर हमसे आहिस्ता आहिस्ता मस्जिद से दूर होना होता है, अच्छे से दूर होते चले जाते हैं। तो यही एक इंसान की ह्यूमन नेचर है कि जितना हम जिस एसोसिएशन में, जिस माहौल में रहेंगे, हम वैसे ही बनते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, आज की मीटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा इम्तियाज, हेलो हेलो, आ रही है सर, आ रही है आवाज आपकी, शानदार। जी जी सर, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले पंक कंपनी का प्रोफाइल के लिए आशिक साहब को 10 मिनट में आएंगे और कंपनी का प्रोफाइल, बेहतरीन कंपनी का, बढ़िया कंपनी का, बढ़िया तरीके से प्रोफाइल बताएं। जनाब आशिक साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर, थैंक्स वंस अगेन अजय साहब, आपने फिर से आज मुझे मौका दे दिया बोलने का। वेलकम सर, वेलकम। मैं डायरेक्टली अपने सेशन पे जाना चाहूंगा। आज मुझे जिसकी चीज के लिए बोला गया है वो है कि हमारी जो कंपनी है, हमारी जो कॉरपोरेशन है, दैट्स टियांस, उस कॉरपोरेशन का जो प्रोफाइल है उसके बारे में मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप सब दोस्त आए हो या हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो इसी चीज के साथ जो जुड़ चुके हैं, उन सबको ये पता होना चाहिए कि वो जिस चीज के साथ जुड़ गए हैं काफी ज्यादा स्ट्रांग है, उसका जो प्रोफाइल है काफी ज्यादा स्ट्रांग है, वर्ल्ड में नंबर वन कंपनी है। तो यहाँ पे गाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक्चुअली 2G ही नेट चल रहा है, 2G नेट की वजह से थोड़ा सा टाइम लग रहा है, सो सॉरी फॉर दैट। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा स्टार्ट करने से पहले, कि जो हमारी टियानस ग्रुप जो है ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, ये किन फील्ड्स में कवर करती है, कवरिंग द फील्ड्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी है, हेल्थ एंड मैनेजमेंट है, होटल एंड टूरिज्म है, एजुकेशनल ट्रेनिंग है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट है। अगर आप गाइज देखोगे, मैं टियांस ग्रुप ऑफ इंटरनेशनल की बात आपसे कर रहा हूँ, जो हमारी कॉरपोरेशन है दुनिया में नंबर वन कॉरपोरेशन है, और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो दुनिया का सबसे बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है, किसी कॉरपोरेशन, किसी कंपनी के पास ऐसा नहीं है। सॉरी गाइज, एक्चुअली ये कल स्लाइड हमने चलाई थी, तो अभी मैं स्टार्ट में जाना चाहूंगा, प्लीज सॉरी फॉर दैट। सर कैरी ऑन सर। ओके ओके, एक मिनट सर, जस्ट गिव मी वन मिनट ओनली। तो ये इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये चीज याद रखिए, क्योंकि ये चीजें हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। और सबसे बड़ी बात ये है कि आप एक बहुत ही बड़ी कॉरपोरेशन, बहुत ही बड़ी कंपनी के साथ जुड़ने जा रहे हो, तो ये चीज आपको पहले पता होना चाहिए कि जो हमारी ये जो टियानस ग्रुप है इसका जो मोटिव क्या है, ये जो एक मल्टीनेशनल कंपनी है तो किन किन फील्ड के साथ ये काम करती है, लाइक बायोटेक्नोलॉजी की बात मैंने आपसे की, और हेल्थ जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हेल्थ एंड मैनेजमेंट, होटल एंड टूरिज्म, एजुकेशनल ट्रेनिंग, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ई कॉमर्स एंड रियल एस्टेट, ये चीज आपको याद होनी चाहिए। तो डायरेक्टली मैं अपने पॉइंट पे आना चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे गाइस, ये इंटरनेट है, ये हमारा सपोर्ट सिस्टम है जो एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मोटिवेशन के लिए हमारा होता है। अगर आप देखोगे कि यहाँ पे आपको एक स्लाइड शो हो रही है, इस स्लाइड में आप देख लीजिए गाइज, हर दिन हम बात करते हैं क्योंकि आज थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। देखिए गाइज, ये एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपनी लाइफ को टोटली चेंज किया है इस फील्ड में, ये हमारे गुरु हैं, हमारे अपलाइन है, मेंटर है, मिस्टर पॉल सर, और इनकी वजह से लाखों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है। ये बहुत ही अच्छे मोटिवेटर है, ये बहुत ही अच्छे टीचर है, ये बहुत ही अच्छे ट्रेनर है, इनके बारे में कितना कहूं तो शायद पूरी रात लग जाएगी। तो मैं अगली स्लाइड पे जाना चाहूंगा। देखिए, हर किसी इंसान की लाइफ में एक गोल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी लाइफ में। आप लाइफ में क्या करना चाहते हो, क्या बनना चाहते हो, क्या चाहिए आपको, और फिर अपॉर्चुनिटी का जो मौका होता है उसका भी एक टाइम होता है, उसका भी एक वक्त होता है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसे हासिल करो, अपने आपका जो गोल है उसको अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत करो।
तो यहाँ पे आप हम जाना चाहेंगे, पहली बात, एक इंसान की जिंदगी में ड्रीम्स होने जरूरी चाहिए। आप दिन में सपने देखो, वो सपने नहीं जो आप रात को देखते हो, नहीं, सपने इंसान को दिन में देखने चाहिए। और वो सपने कैसे पॉसिबल हो सकते हैं आपकी लाइफ में, वो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा। चलो यहाँ पे एक शॉर्ट में एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा गाइस। वो बंदे जो लोग जॉब करते हैं, जॉब भी इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कहूंगा कि जॉब इंपॉर्टेंट नहीं है, जॉब भी अच्छा है, लेकिन वो लोग जो जॉब करते हैं उनसे क्या, उन्हें क्या होता है, जो उनकी डेली नीड्स होती है, जो उनकी लाइफ में जो छोटी छोटी जरूरत होती है, बस वो उसी को पूरा करने में उनकी पूरी लाइफ लग जाती है, ईएमआई भरने में और वो छोटी छोटी जरूरत। और जो बड़े सपने उन्होंने देखे होते हैं लाइफ में, जैसे कि फॉरेन टूर जाना, बड़ी गाड़ी लेना या बड़ा सा बंगला बनाना, अपने बच्चों का अच्छा फ्यूचर, वो सारी जरूरियात उनकी जॉब की वजह से पूरी नहीं हो रही है। बट द गाइज, हियर इज अ पॉइंट, दैट इज बिजनेस। बिजनेस मेक्स ड्रीम्स पॉसिबल। बिजनेस की वजह से आप अपने ड्रीम्स को पॉसिबल कर सकते हो, मुमकिन बना सकते हो। जो भी सपना आपने दिन में देखा होगा ना, वो आपके सारे सपने बिजनेस से पूरे हो सकते हैं। तो मैं अगली स्लाइड पे जाना चाहूंगा। कल भी हमने इस चीज पे बात की थी और हमारे डार साहब ने आपको, शायद कुछ लीडर्स उसमें से भी अभी होंगे, डार साहब ने फिर वजाहत भी की थी कि अगर 100% वेल्थ है इस दुनिया में, देखिए अगर 100% वेल्थ है इस दुनिया में, तो 99% वेल्थ जो है, जो दौलत 99% है, वो 5% लोगों के पास है, और जो बाकी 95% लोग बचते हैं उनके पास सिर्फ 1% वेल्थ है। क्या रीजन है? कभी इस चीज के बारे में आपने देखा है? जो 5% लोग है वो क्या करते हैं, वो उनका अपना एक बिजनेस होता है, तभी वो इतनी सारी वेल्थ को एंजॉय करते हैं। बाकी जो 95% लोग है, मेजॉरिटी डूइंग अदर लाइक जॉब या कोई और काम, उन्हीं के पास 1% वेल्थ है। देखिए अगर देखा जाए आजकल की डेट में, आप बिजनेस भी करते हो, आप जॉब भी करते हो, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस जो है, इसमें आपका एक फंटास्टिक फ्यूचर है। क्यों आपका इसमें एक फंटास्टिक फ्यूचर है? क्योंकि यहाँ पे आपको लायबिलिटी फ्री है, रिस्क फ्री है, टेंशन फ्री है, यहाँ पे आपको लेबर्स की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको लैंड की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आपको ना बहुत बड़ी रिस्क से भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। जैसे कि अगर आपने किसी जगह पे दुकान ले लिया, लाखों के प्रोडक्ट्स ले लिए, तो वहां पे आपको एम्प्लॉयज भी चाहिए, आपको सुबह 10 बजे जाके आपको शाम 6 बजे वापस कंटिन्यूअसली आना होगा, हो सकता है कि दुकान में आग लग जाए, तो बहुत सारी परेशानी होती है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा मार्केट है जहां पे आपको लायबिलिटी फ्री है, रिस्क फ्री है, टेंशन फ्री है, बिजनेस फ्री है, और मिलियंस, अगर आप देखोगे मिलियंस लोगों ने ग्लोबली इस नेटवर्क मार्केटिंग से अपनी जिंदगियों को बदला है। गॉट इट गाइज? अब यहाँ पे देखते हैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर सभी लोग कहते हैं कि अरे यार ये नेटवर्क मार्केटिंग, शायद कुछ लोग पहले फेंक भी आई थी, कुछ कंपनीज, बहुत सारी कंपनीज, हाँ आज के टाइम ऐसा नहीं है, लेकिन पहले पहले ऐसा हुआ करता था। फिर हमारे हिंदुस्तान में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो खुद प्रोटेक्ट कर रही है, किस चीज को, डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग को खुद प्रोटेक्ट कर रही है। ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यूनाइटेड फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी है, रामविलास पासवान सर हैं। और गाइस एक बात जरूर याद रख लीजिए, कुछ लोगों को लगता है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग, अरे ये क्या है, मैं जॉब करूंगा या 10-15 लाख का बिजनेस स्टार्ट करूंगा, लेकिन उन लोगों के लिए, उनकी वो गलतफहमी में यहाँ पे दूर करना चाहता हूं। दुनिया के वो लोग जिनका तस्वीर भी आपने लाइफ में नहीं किया होगा कि वो लोग क्या कभी हमसे मिल भी सकते हैं या बात कर सकते हैं, दुनिया के जो टॉप लीडर्स हैं वो जी जी एज डार साहब, डार साहब आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है, आप कह रहे हैं सर? आ रही कंटिन्यू प्लीज। देखिए गाइस, नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा सिस्टम है, बहुत बड़ा, क्योंकि दुनिया के टॉप लीडर्स ने कहा है कि अगर हम कभी जीरो पे आ जाएंगे, जीरो पे, तो हम नेटवर्क मार्केट से ही अपना अपना काम शुरू करेंगे। जैसे बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स था, आजकल आप देख लीजिए ट्रंप, वो क्या कहता है, आई वुड गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाई आई रिकमेंड नेटवर्क मार्केटिंग, कौन कह रहा है ये? द नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऑफर्स मेनी यूनिक बेनिफिट्स टू चूज हु वांट मोर आउट ऑफ लाइफ, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से ही आपको वहां पे आपको एक पैसिव इनकम मिल रही है। नेटवर्क मार्केटिंग से ही आप अपने लाइफ में सारे सपने पूरे हो सकते हैं। अपने जिंदगी में जो भी सपना देखा होगा, अपने दिन में जो भी सपना देखा होगा, वो सपना आपका नेटवर्क मार्केटिंग से ही पूरा हो सकता है।
इतने बड़े लीडर्स नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ऐसा सोच रहे हैं, तो हम लोग नेगेटिव क्यों सोचे? हमें भी तो सोचना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग एक बहुत बड़ा फील्ड है, हमें इस फील्ड में जितना जल्दी हो सके आना चाहिए और काम स्टार्ट करना चाहिए। तो मैं अगली स्लाइड पे जाना चाहूंगा। अभी मैंने आपको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कहा, तो अभी यहाँ पे देख लीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग के चार चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, दैट्स प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान एंड पे आउट। क्योंकि ये चार चीजें अगर स्ट्रांग होंगे, मजबूत होंगे, कामयाब होंगे, तो वहां पे काम करना आपके लिए बहुत ही जरूरी है और वहां पे वक्त जाया न करते हुए आप वहां पे चले जाइए। तो आज हमने नए दोस्तों को यहाँ पे इनवाइट किया और हमारे कुछ लीडर्स हैं, शायद नेगेटिव थिंकिंग की वजह से वो लोग भी कुछ सोचते होंगे। आज मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आप लोग, हम सब लोग किस चीज के साथ जुड़े हैं, या हमारे जो नए गेस्ट आए हैं जिनको हम बोल रहे हैं कि हमारे साथ जुड़ जाओ, इस कॉरपोरेशन में, इस कंपनी में आपका फ्यूचर बनेगा, आपकी लाइफ बनेगी, आपके सारे सपने पूरे होंगे, तो किस चीज से हम उनको कह रहे हैं? चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी कंपनी का जो नाम है, हमारी जो कॉरपोरेशन है, दैट इज टियांस। ओके, नंबर वन कंपनी है ये पूरे वर्ल्ड में, और इसका जो प्रोफाइल है बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब यहां पे बात ले लीजिए, हमारी इस कॉरपोरेशन, हमारी इस कंपनी को 25 साल हुए हैं। कितने साल? 25 साल। और इतनी मजबूत कंपनी है, इतनी मजबूत कॉरपोरेशन है कि 25 सालों में ही 190 देशों में अपना बिजनेस फैला चुका है। अगली स्लाइड पे जाते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए गाइस, यहाँ पे आपको पूरी पिक्चर शो हो रही है। हमारी जो कॉरपोरेशन है, हमारी जो कंपनी है, उसके पास एक वर्ल्ड क्लास हेडक्वार्टर है जो तंजन में है, और उसके पास R&D सेंटर्स है, लाइक उसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, मल्टीपल मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबली। अगर आप देखोगे कि हमारी इस कॉरपोरेशन के पास लग्जरी होटल्स है एंड ए बिग यूनिवर्सिटी, एंड ए बिग यूनिवर्सिटी। और उस यूनिवर्सिटी की बात अगर आप करोगे जो टंजन जो वहां पे है, तो हमारे हिंदुस्तान में दो बड़ी यूनिवर्सिटियों के साथ उसकी कोलैबोरेशन है, लाइक MIT यूनिवर्सिटी एंड मगलम यूनिवर्सिटी। सो नेक्स्ट थिंग इज हियर, अगर आप देखोगे जिस कॉरपोरेशन की बात मैं आपसे कर रहा हूं, ये एस्टैब्लिश हुई है 1995 में। सब लोग याद रखिए, गूगल पे आप इसे सर्च कर सकते हो, 1995 में हमारी कॉरपोरेशन एस्टैब्लिश हुई है, और इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर आप देखोगे, मोर देन 40 मिलियन फैमिलीज हैज बीन बेनिफिटेड विद टाइनिस, 25 सालों में ही, ये कोई छोटी बात नहीं है। और हमारे जो फाउंडर है, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी है, जो हमारे चेयरमैन है, वो दुनिया के अमीर तरीन शख्सियतों में से उनका नाम भी आता है। हमारी कॉरपोरेशन, आप सब लोग ये बात याद रखिए, हमारी कॉरपोरेशन का जो नाम है जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी आ चुका है। हमारी इस कॉरपोरेशन को, हमारी इस कंपनी को WFDSA एंड IDSA, हमारे लिए जरूरी ये है कि इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन की तरफ से हमारी कंपनी, हमारी कॉरपोरेशन को मेंबरशिप हासिल है। और ये इतनी बड़ी कंपनी है कि मोर देन 200 करोड़ इन्होंने खाली चैरिटी की है। और हमारी इस कॉरपोरेशन के पास अगर आप देखोगे, इतने कम समय में 1000 से भी ज्यादा अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स ग्लोबली हैं। एक ग्लोबल ब्रांड है 25 सालों में ही। और सोचिए, आप सबको इस चीज का पता होना चाहिए, जो हमारा जो लैंड कवर हुआ है, जिसमें ये सारी चीजें हुई, जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं आपको बात कर रहा था आपकी, जिस यूनिवर्सिटी, जिस R&D सेंटर की, अगर आप देखोगे जो लैंड कवर हुआ है, दैट्स अबाउट 1037 acres, इसमें हमारा ये कॉरपोरेशन फैला हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, सेंटर में जो हमारे फाउंडर है मिस्टर ली जिनोन सर, ये हमारे कंपनी के चेयरमैन भी हैं और फाउंडर भी हैं, एंड राइट में इनका बेटा है, लेफ्ट में इनकी बेटी है। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाना चाहूंगा। वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स है, वर्ल्ड के जो टॉप लीडर्स रह चुके हैं, उनके साथ हमारे चेयरमैन साहब की पिक्स हैं, जिनमें एक्स प्रेसिडेंट मिचल गोर्बाचोव है जो रशिया के हैं, जिनमें अगर आप देख सकते हो कि एक्स प्रेसिडेंट अमेरिका के जो जॉर्ज बुश रहे हैं। और हमारी इस कॉरपोरेशन को यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के फ्लैग से भी नवाजा गया है।
हमारी इस कॉर्पोरेशन के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का जो फ्लैग होता है उसे हासिल करना कोई आम बात नहीं है, लेकिन हमारे कॉर्पोरेशन को इस फ्लैग से भी नवाजा गया है। और अगर हम आप देखोगे, अगर कभी लाइफ में आप, हाँ इंशाल्लाह हम सबके मुकद्दर में होगा, आप सबके मुकद्दर में भी होगा, जब हम चाइना जाएंगे अपने इस हेडक्वार्टर को, ये सारी चीजें वहां पे देखेंगे, तो वहां पे देखोगे यूनाइटेड नेशन का जो फ्लैग है वहां पे आप लहराता हुआ इससे भी देखोगे। हमारे कॉर्पोरेशन ने एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था 8th मई 2015 में, जब जीनियस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हमारा नाम भी आ चुका है, उसमें एक बहुत ही बड़ी चेन बनी थी। अगर आप देखोगे नियर अबाउट 6400 पीपल, कुछ लोग लीडर्स फ्रांस चले गए थे, जहां जिसमें हमारे पॉल सर भी थे, जिसमें हमारे शेख ओबुजे सर भी थे, एक बहुत ही बड़ा इवेंट रहा है। अब सबूत की बात करते हैं, आप गाइस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, टियानस जो टियानस कॉर्पोरेशन है उसको रिसीव हुए हैं, उन्होंने जो हासिल किए हैं WFDS से, वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन एंड इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन मेंबरशिप हासिल हुई है, इंक्लूडिंग 1000+ अवार्ड्स एंड सर्टिफिकेट्स ग्लोबली। ये यहाँ पे आप वो सारी सर्टिफिकेट्स देख सकते हो, एंड स्पेशली फॉर मुस्लिम्स, उनके मन में भी एक बात होनी चाहिए कि श्रेया बोर्ड की तरफ से भी हमारी इस कंपनी, हमारी इस कॉर्पोरेशन को एक हलाल सर्टिफिकेट मिली है कि ये हमारे लिए ये चीजें हलाल है। यहाँ आप देख सकते हो कि हमारे जो टॉप लीडर्स हैं उनके साथ कुछ मीटिंग्स हुई है हमारे चेयरमैन साहब की, जिसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी थे, जिसमें हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर JP नंदा जी थे। तो किस चीज के लिए बात हुई थी, क्योंकि यहाँ पे एक चीज कमिटेड हुई थी, टियानस इंडिया इज कमिटेड टू मेक इन इंडिया मेक फॉर इंडिया, That is our health products. बहुत सारे health products जो हैं, वो हमारे देश हिंदुस्तान में ही manufacture हो रहे हैं। So ये हमारे कुछ branches हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, उनके pics ली गई हैं और कुछ stores भी हैं उनकी pics ली गई है। दिल्ली का हाल ही में एक branch हमारा open हुआ है, जहाँ हमारे पॉल सर की या हमारे जो director है मनोज सर, उनकी pic देख सकते हो यहाँ पे। तो टियानस में ये बात लास्ट में आपसे बताना चाहूंगा, टियानस इंटरनेशनल के पास अगर आप देखोगे हमारे देश में 9 ब्रांचेस है प्लस 100+ फ्रेंचाइजी स्टोर्स है। तो यहाँ पे मेरा सेशन कंप्लीट होता है, आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सब दोस्तों ने मुझे इतने प्यार से सुना, मैं आप सब लोगों का सच में दिल से आप सब लोगों का वेलकम भी करता हूँ, शुक्रिया भी करता हूँ। और बैक टू द होस्ट मिस्टर एजाज अहमद डार साहब, थैंक्स अलॉट। थैंक यू सर, बहुत अच्छे तरीके से आपने प्रोफाइल बताया। तो एक एक्चुअली गलती हो गई है मुझसे, इम्तियाज साहब माफी मांग लेता हूँ कि हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है मेरी, बिल्कुल। गलती ये हुई है सर कि आज का जो प्रोफाइल था, ये प्रोफाइल था तहलील नाम का, जिन्होंने कल प्रोडक्ट के लिए दिया था, तो वो गलती से, इम्तियाज साहब ने मुझे बताया भी था, वो गलती से मैंने ऐसा कर दिया, क्योंकि जब कोई काम करता है इंसान तो वो गलती भी करता है, तो मैं प्राउड फील कर रहा हूँ मैं गलती करता हूँ, क्योंकि मैं कुछ काम कर रहा हूँ, अगर मैं आता ही नहीं यहाँ पे, काम नहीं करता, होस्टिंग नहीं करता, तो गलती क्या करता। तो तहलील मैम आपसे सॉरी, तो खैर जो होता है अच्छे के लिए होता है। हमदा सर, हम 2G का हमला हो गया। हाँ जी 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 कैरियन सर, कैरियन। तहरीर मैम से मैं वेरी सॉरी। तो आगे चलने से पहले अब हम उनको इनवाइट करेंगे, उससे पहले मैं एक दो बातें करना चाहूंगा कि मैंने एक जगह पढ़ा था कि आज हम जो भी हैं इस वक्त अगर हम पैसे के हिसाब से बात करें, अगर हम 20,000, 30,000, 50,000, 1,00,000 रुपए अर्न कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक ही वजह है, उसके पीछे वजह यह है कि हमने आज तक उतना ही सोचा है जो हम अर्न कर रहे हैं। तो क्या जितने भी लोग हैं तो यहाँ पे अपना हैंड रेज करके बता सकते हैं, चैट बॉक्स में बता सकते हैं, क्या एम आई राइट और रॉन्ग? अगर मैं गलत हूं तो प्लीज मुझे बताना, क्योंकि मुझे कुछ सीखने को मिलेगा। मेरा एटीट्यूड हमेशा ऐसा रहता है, तो या तो इंशाल्लाह मैं जीतता हूं या सीखता हूं, हम हारते कभी नहीं है। तो खैर कुछ सीखने को मिलेगा। तो मैं ये मानता हूं कि जो हम बिलीव करते हैं, जितना हम सोचते हैं, अगर आप में से कोई इस वक्त इंक्लूडिंग मी अगर 10,00,000 रुपए हम महीना अर्न नहीं कर रहे, तो उसके पीछे रीजन एक है कि हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम 10,00,000 रुपए अर्न कर सकते हैं।
हम अर्न करेंगे। हमने इस दिमाग के अंदर कभी ऐसा सीड सो किया ही नहीं, हमने वो बीज डाला ही नहीं कि 10 लाख हमें महीना कमाना है तो दैट्स वाई हम अर्न नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो बीज हमने डाला होता तो डेफिनेटली वो उगता और आज हमारी इतनी बड़ी अर्निंग होती, क्योंकि इस दिमाग के अंदर राइट ब्रदर्स ने जब बीज डाला था कि हमें हवाई जहाज बनाना है तो वो बना। इस बीज इस दिमाग के अंदर एडिसन ने बीज डाला था कि मुझे बल्ब बनाना है तो वो बना। अंबानी ने डाला था कि मुझे करोड़पति बनना है तो वो बना। और हम इसलिए नहीं बने क्योंकि हमने इस दिमाग के अंदर बीज नहीं डाला। तो फ्रेंड्स, आज की मीटिंग खत्म होने से पहले इस दिमाग के अंदर बीज डालकर सोना कि मुझे ये चाहिए। और हमें कामयाब होने से एक ही चीज रोक सकती है, एक ही आदमी रोक सकता है, और वो है हम खुद, वो है आप खुद। तो हम आगे चलते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन के लिए वेरी सॉरी टू से फिर से, लेकिन जो होता है हमेशा अच्छे के लिए होता है, तो मैं तहलील मैम से रिक्वेस्ट करूंगा वो आए और प्लीज कंपनी का प्रोडक्ट्स जो बैकबोन ऑफ कंपनी है उसके बारे में अपनी नॉलेज हमसे शेयर करें। तो वेलकम तहलील मैम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। थैंक यू सो मच, आपने मुझे फिर से मौका दिया प्रोडक्ट के बारे में बोलने का। वैसे तो मेरा प्रोफाइल था बट अनफॉर्चुनेटली मेरा आज प्रोडक्ट सेशन और से मिल गया, जो होता अच्छे के लिए होता। थैंक यू सो मच सर, इतनी मोटिवेशन हमारे को देने के लिए, थैंक यू सो मच। ये आपने बात सही कही कि हमें दिमाग से मोटिवेट होना वो हमें काफी इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा बहुत मैं यहाँ पे शेयर करूँगी हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में सर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आशिक सर ने पहले बता दिया प्रोफाइल के बारे में, हर एक में इम्पोर्टेंट होता है 5 P's, दैट इज प्रोफाइल, एंड सेकेंड वन इज प्रोडक्ट, एंड थर्ड वन इज प्लानिंग, पे आउट एंड प्रमोशन भी काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, मेरा सेकेंड सेशन दिया गया, उतना भी टाइम है नहीं, तो हम सीधे आते हैं प्रोडक्ट्स पे। तो हमारा जो प्रोडक्ट है हमें सिंपली क्या है, जो हमारा पॉइल्स एंड पिल्जर है, जो आने वाला बूम, आने वाला रेवोल्यूशन बताता है। उन्होंने क्या बताया था कि आने वाला रेवोल्यूशन किसका आ रहा है, उन्होंने बोला था हेल्थ एंड वेलनेस पे रेवोल्यूशन आ रहा है आने वाला बूम 2025 में। आप यहाँ पे चेक भी कर पा रहे होंगे, यहाँ पे नेक्स्ट ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री रखी गई है। पहले नंबर पे कौन है यहाँ पे, हेल्थ एंड ब्यूटी। क्योंकि आजकल रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग किसमें बिजी है, आधे ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस आते हैं या कोई टीचर है, कंटिन्यूअसली वो अपने काम में बिजी रहते हैं। यहाँ तक मैं स्टूडेंट्स को भी देखती हूँ, वो ज्यादा से ज्यादा रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी होते हैं, या उनको फोन हाथ में होता है, या वो अपनी लाइफ को उन्होंने डल बना के रखा है। वो रीजन क्या है, उसकी बिहाइंड रीजन क्या है, यही रीजन है क्योंकि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। जो हमारा न्यूट्रिशन है, जो हमारे सप्लीमेंट्स है, हमारी बॉडी को क्या चाहिए, हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए, सप्लीमेंट चाहिए, वो हमें नहीं मिल रहा है। हम क्या खाते हैं, जंक फूड वगैरह खाते। सपोज अगर किसी लाइक हम टाइम पे किसी जगह भी जाया काम करते हैं तो उसके बाद हमें टाइम नहीं मिलता है अपने टाइम पे खाने का, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हर एक का न्यूट्रिशन डाइट होता है, हर एक टाइम पे अपने अपने टाइम पे न्यूट्रिशन डाइट होता है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट रोजमर्रा की जिंदगी में वो नहीं मिल पाता जो हमें बॉडी में न्यूट्रिशन चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी, बट स्टिल वी डोंट गेट दैट टाइप ऑफ विटामिन जो हमें चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के लिए। बट यहाँ एक स्लाइड शो हो रही है, आप देख लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड खाली 5% लोग जो है वो काफी हेल्दी है, और यहाँ पे लिखा है कि 15% लोग जो है वो सिक है, और यहाँ पे लिखा है सब हेल्दी है। दैट मींस मैं, मेरे जो पेरेंट्स, सभी का जब चीज चेकअप कराए कहीं ना कहीं उनके पास भी कोई ना कोई बीमारी वगैरह होगी। वो क्या रीजन है, इसके बारे में क्या रीजन है, आप देख लीजिए यहाँ पे स्लाइड है, दैट इज पेस्टिसाइड। वो भी अगर सपोज आप किसी की भी बात करें, जैसे यहाँ पे कश्मीर में ज्यादातर सेब ही उगते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सेब उगते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, उनको बहुत सारे केमिकल्स फेंकते हैं। मैंने रिसेंटली रिसर्च भी करा था, एक से बात भी करी थी, उन्होंने कहा कि 50 ऑलमोस्ट हम फेंकते हैं, एंड आई वॉज टोटली शॉक दैट टाइम। तो दैट मीन्स हम जो न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो भी हमें मिल नहीं रहा है।
तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे फिर भी पेस्टिसाइड्स इंसेक्ट्स फूड हमें कंटिन्यूअसली मिलते जा रहे हैं। अब मैं बात करूँ जो हम चिकन खाते हैं वहाँ पे उनको क्या किया जाता है, स्टीरॉइड इंजेक्शंस किए जाते हैं। सो वेलकम टू टियांस। तो यहाँ पे हम टियांस की बात करें, यहाँ पे हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, ये बैकबोन मानी जाती है कंपनी की। सेकेंड टी की मैं बात कर रही हूँ, तो ये बैकबोन मानी जाती है कंपनी की। तो यहाँ पे कुछ इक्विपमेंट्स है, हम चार में डील करते हैं। फर्स्ट वन इज इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, एंड थर्ड वन इज पर्सनल केयर, और फोर्थ वन इज सप्लीमेंट। तो मैं थोड़ा बहुत लिटिल बिट बताऊंगी, उतना टाइम है नहीं, खाली 10 मिनट्स है मेरे को। तो यहाँ पे हमारा जो है दैट इज फर्स्ट वन इज लाइफ इक्विपमेंट। तो इससे क्या पता चलता है, अगर सपोज किसी को थायराइड डायबिटीज होता है, किसी को थायराइड की प्रॉब्लम, ये तो आम है। मैक्सिमम मुझे लगता है छोटा सा बच्चा भी क्यों ना हो, उसको भी थायराइड की प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है? क्योंकि हम रोजमर्रा की जिंदगी में वैसा हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में वो कमी आ जाती है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे हमारा लाइफ इक्विपमेंट है, हमारी हाथ में इक्विपॉइंट्स होते हैं, तो उसके हिसाब से जहाँ पे भी प्रॉब्लम होगी, सपोज किसी को आई की प्रॉब्लम होगी या किसी को लंग्स या किसी भी ऑर्गन की प्रॉब्लम होगी, तो ये हमें दिखाते हैं। इससे क्या हमें बेनिफिट मिलता है, अगर सपोज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा रिकमेंड करते हैं कि आप इतने टेस्ट करिए, बट स्टिल इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है जहाँ पे भी जिसकी भी हमें प्रॉब्लम है वो क्योर हो जाती है। और वंडरफुल, इट्स रियली वंडरफुल, यहाँ पे क्या मिलता है आपको, बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलता है, क्योंकि जहाँ पे भी जिस ऑर्गन में भी आपको पेन हो रही है, यहाँ पे एक बटन है, उसको क्लिक करने और उसका आपका जो पेन है वो रिलीफ होता है। इट्स रियली वंडरफुल। एंड सेकंड वन इज दैट इज BCM, इसका जो फुल फॉर्म है दैट इज ब्लड सर्कुलेशन मसाजर। तो इससे क्या होता है, अगर आप 5-15 मिनट इसमें बैठते, आपको 5 किलोमीटर का वॉक हो जाता है। और यहाँ की बात करें, अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है हद से भी ज्यादा अंदर से, जो भी प्रॉब्लम्स है जो हमें दिखती नहीं है इंटरनली और एक्सटर्नली, वो सारी की सारी से क्योर हो जाती है। खाली इसमें क्या करना होता है, यहाँ पे स्लाइड शो हो रहे हैं आप लोगों को किस तरीके से बैठ सकते हैं आप, वर्टिकली हॉरिजेंटली देयर इज सम पिक्चर्स, हॉरिजेंटली बैठ सकते हैं। क्या है, आप बोलेंगे अरे यार ये कैसे है, हाउ इट इज पॉसिबल कि हमें एक मशीन पे बैठना है तो बस हमारा जो 5 किलोमीटर का वॉक हो जाएगा, हाउ इट इज पॉसिबल। सो यहाँ पे भी बात करूँ डियर, यहाँ पे भी जो हमारे हमारा जो हमें क्या होता है, हमें इक्विपमेंट्स होते हैं यहाँ पे, तो इसकी वजह से हम उस पर बैठते हैं, तो जो हमारे इक्विपॉइंट्स होते हैं हमारे टूब में, जो हमारा सरफेस है, जो हमारे पैर का सरफेस है, तो उस पर जब हम बैठते हैं तो उसके हिसाब से वो उसको टच हो जाते हैं, जो हमारे बॉडी वो वाइब्रेट हो जाता है, हेड टू पूरा वाइब्रेट हो जाता है। तो ये कितनी बात हमारे लिए जरूरी है, क्यों? क्योंकि हमारा ये प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन आ गया, क्योंकि हमें पता है रोजमर्रा की जिंदगी में हम बिजी रहते हैं, बट स्टिल हमें खाली क्या करना है, अजाब उतना नहीं करना है, उठना है और इस पे बैठ जाना है, बस 15 मिनट का 5 किलोमीटर का आपका वॉक भी हो जाएगा। तो इसके लिए बहुत ज्यादा मैं तालियां करूंगी जोरदार, मुझे इसका बहुत ज्यादा क्रेज हो गया, हद से भी ज्यादा क्रेज हो गया। एंड थर्ड वन इज दैट इज टाइम्स ओजोनोफाई ओजोनाइजर, तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल क्लींजर असल में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी हम पेस्टिसाइड्स फूड जैसे स्टीरॉइड्स इंजेक्शंस वगैरह करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो ऊपर वाली लेयर होती है वो पूरी हट जाती है। दैट मीन्स हम नेचुरल फूड खाते हैं, पूरा नेचुरल फूड, अगर सपोज उसमें कितने भी पेस्टिसाइड्स हो, इंसेक्टिसाइड्स हो, जब हम वॉश करते हैं, हम उस जो हमारे माँ है वो उसको वॉश करते हैं, उनको दिली तसल्लिया होती है कि नहीं हमने वॉश किया, बट उनको नहीं पता कि उसमें कितने केमिकल्स वगैरह है, उसमें कितने पेस्टिसाइड्स डाले हुए, फिर भी हम वही सब्जियां वगैरह खाते हैं, जिससे मेरा स्टमक भी पूरा खराब हो गया। तो उसकी वजह से मैं बात करूँ, यहाँ पे जो ओजोनोफायर है वो पूरी ऊपर वाली जो तह है, जो पेस्टिसाइड्स वगैरह है, वो सारा कुछ उठा देता है। अब मैं चिकन की बात करूँ, या आप मीट ले लीजिए, कंसिडर करिए अपने दिमाग में, वहां पे क्या होता है, वो भी बेचारे क्या होते हैं, जो उसकी जो ऊपर वाली तह होती है वो भी उसको हटा देती है, जो भी वो खाते हैं, जैसे हर्बीवर्स ऑब्वियसली होते हैं, वो भी गासी खाते हैं, उनको गासी खाना, तो वो उनको वो अंदर चला जाता है, तो उससे क्या होता है, उनकी मीट में भी क्या होती है, प्रॉब्लम्स हो जाती है, क्योंकि उनको भी वैसा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है। तो उसकी वजह से जो हमारा
क्लींजिंग है वो पूरा साफ कर देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स, उतना टाइम है नहीं तो डायरेक्ट मैं आ जाती हूँ सप्लीमेंट्स पे। सप्लीमेंट्स क्या होते हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है, न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। आपको मैंने कल भी बताया था जो हमारे ड्रग्स है, जो हमारे मेडिसिन है, वो कहाँ पे बनते हैं, बदी एक पोल्यूटेड एरिया है। आप सोचिए कि वहां पे हमें दवाई मिलती है और हमें कश्मीर तो हर हमेशा पीछे रहते हैं, हमें थर्ड क्लास की, दैट मीन्स क्लास सी ग्रेड की हमें दवाइयां मिलती है। तो आप चिंता ना करें, यहाँ पे हमारा जो है, अगर किसी को सप्लीमेंट की प्रॉब्लम होगी, लाइक सपोज किसी को स्टमक की प्रॉब्लम होगी, आप उसको दो चीजें रिकमेंड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज फॉस पाउडर एंड द सेकेंड वन इज टियांस हाई फाइबर। इसमें क्या होता है, अगर सपोज हमारे कॉन्स्टिपेशंसी बहुत टाइम तक रहती है, उससे क्या वो धीरे धीरे बढ़ जाती है, एक तो बढ़ जाती है और हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं उसमें भी क्या करते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, इम्पैक्ट डालते हैं, तो वो भी धीरे धीरे क्या हो जाता है, क्योर हो जाता है। ज्यादातर रोजमर्रा की जिंदगी में मैंने यही देखा है, मैक्सिमम लोगों को क्या होता है, स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है, हद से भी ज्यादा स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है। क्यों होती है, क्योंकि उसका रीजन तो मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड क्या है, दैट इज वेट लॉस। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा ओबेसिटी लोग बहुत ज्यादा है, हद से भी ज्यादा ओबेसिटी लोग है। आप देखिए पहले जमाने के जो लोग थे वो ज्यादा उतना वर्क भी करते थे और वो ओबेसिटी ज्यादा नहीं होते थे, बट नाउ हमें ऐसा फूड मिलता है तो उसकी वजह से हम कहीं ना कहीं हमें ओबेसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पे आप दो चीजें हैं, फर्स्टली इज टियांस चिटोसिन एंड अनदर वन इज दैट इज टियांस हाई फाइबर। तो ये हमारी जो ओबेसिटी है वो धीरे 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 क्या करती है, डिक्रीज करती है। कैसे करती है, सपोज हम कैलोरीज लेते हैं, सपोज 8,800 समथिंग अमाउंट हमने कैलोरीज लिया, तो हमारी बॉडी को सपोज आप इमेजिन कर लीजिए 500 ही चाहिए, तो वो 300 है, हम एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि बिजी रहते हैं, तो उसके हिसाब जो 300 कैलोरीज है वो उनको धीरे धीरे बर्न कर देते हैं, जो हमारा जो दो प्रोडक्ट है दैट इज चिटोसिन एंड अनदर वन इज टियांस हाई फाइबर। एंड यहाँ पे तीसरी स्लाइड की बात करूँ, दैट इज हार्ट के, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है हमारे जो हार्ट है, 4 चैम्बर्स होते हैं उसमें, तो उसमें क्या होती है, हमें प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है, क्योंकि हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा बढ़ जाता है, तो हमें ब्लॉकेज आती है हार्ट में, किसी को हार्ट स्ट्रोक आ जाता है वगैरह वगैरह, ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो किसी को इनहेलिंग एक्सहेलिंग में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे डियर क्या है, फर्स्ट वन इज टियांस ओमेगा लाइफ, आपको ये रिकमेंड कर सकते हैं, एंड सेकेंड वन इज टियांस कोएंजाइम, टियांस मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन का लिटिल बिट यहाँ पे बता दूं, मल्टीविटामिन क्या है, यहाँ पे इस वर्ड को कंसिडर करिए, मल्टी दैट इज different categories of vitamins we have in front of us, that means we are too lucky ki hamare paas multivitamins hai, hame to kahin na kahin milte hai, jaise hum greenery bolte hai, aadhe sabziyan khao, aadhe different type of colors ke bolte hai ki vegetables khao, but still kahin na kahin usme wo vitamin nahi hota jo hame body ko need chahiye, hame different type ke aadhe bolte hai ki regular basis pe you have to take green vegetables and someone just recommend us you have to take carrots and all, right? तो उसके हिसाब से बोलते हैं, but the thing is that यहाँ पे multivitamin है, हमें उनमें वो चीजें नहीं मिलती है, तो यहाँ पे हमारा times multivitamin है जो भी हमारी body में चाहिए होता है, जैसे B1, B12, B6 up to इसकी categories आती है, हद से भी ज्यादा categories आती है, वो सारी हमें एक ही साथ एक ही tablet में मिल जाती है, एक supplement ये भी है। और मैं बात करूं थोड़ा बहुत, यहाँ पे जिमनमा का शो हो रहा है, जिमनमा जो है बेसिकली, थोड़ा बहुत बता दूं इसके बारे में, आपको पता होना चाहिए, ये श्रीलंका में इसका रिसर्च हुई थी, गुडमार भी इसे कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, सोडियम प्रिकोलेट इसमें डाला होता है, जो बाकी जो है जिमनमा भी है, बट उनमें क्या होता था, उनमें खाली जिमनमिक एसिड होता था, बट यहाँ पे टियांस ने इस पे बहुत रिसर्च करके एक वाहिद एक इसमें एक ऐड चीज करी, दैट इज सोडियम प्रिकोलेट, बहुत इंपॉर्टेंट है,
प्रिकोलेट इसमें ऐड करा गया, तो उसकी वजह से जो ही हम डायबिटीज पेशेंट को देते हैं तो उसकी उसके बाद धीरे 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 विद इन 15 डेज, आई मीन टू से खाली एक ही वीक में उनको फर्क हो जाती है, बट स्टिल हम उनको बोलते हैं 15 दिन के बाद उनको फर्क आने शुरू हो जाती है। खाली ये नहीं कि उनको डायबिटीज में भी फर्क आने शुरू होती है, जो अदर प्रॉब्लम से यहाँ पे आप बहुत ज्यादा है, उतना टाइम है नहीं, प्रोडक्ट्स में भी अलग टाइम आ जाता है आपका, सॉरी कॉल आ गए थे। तो प्रोडक्ट्स में आपका दिल्ली की मैम है, पूनम जी नाम है उनका, वो क्लासेस वगैरह देती है इनकी प्रोडक्ट्स की। इंशाल्लाह मेरी भी ट्रेनिंग है सैटरडे, अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं सैटरडे मेरी 3 बजे की ट्रेनिंग है, पूरे प्रोडक्ट्स के बारे में ट्रेनिंग है उस टाइम। तो यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे मैं बात करूँ दो प्रोडक्ट्स ऐसे, टियान स्पायरोलिना काफी इम्पोर्टेंट है लड़कियों की ब्यूटी के लिए भी, हर एक चाहती है कि लड़की में ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए, हर एक लड़की से कंपटीशन रहता है मैं इसे ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए, मैक्सिमम यही होता है ना। तो इसमें क्या है, टियान जो स्पाइरोलिन है ये हम फेस पैक एज अ यूज कर सकते हैं, इससे हम फ्रेश कूलनेस दिखती है। और हमें ये किसमें ज्यादा जरूरी लगता है, दैट इज हमारी बॉडी स्टैमिना, ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या हो गया, आलसी काफी ज्यादा हो गया, तो इसकी वजह से ये हमें क्या करते हैं, काफी हेल्प करता है, हमारी जो बॉडी है उसको बूस्टअप रखता है। और यहाँ पे भी टी पॉली कैप्सूल है, इसमें क्या होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है काफी ज्यादा, तो उसकी वजह से जो हम ओबेसिटी है ये आप भी रिकमेंड कर सकते, जो ओबेसिटी पर्सन है आप ये भी उनको रिकमेंड कर सकते हैं। और सेकंड बात इसमें क्या है, इसमें बॉडी स्टेमिना हमें ज्यादा से ज्यादा मिलता है। एंड थर्ड वन यहाँ पे प्रोडक्ट है दैट इज कीप यंग एज, कौन जवान नहीं दिखना चाहता है आजकल के जमाने में, हद से भी ज्यादा आजकल कॉन्शियसनेस काफी ज्यादा आ गया हर एक के लोग, हर एक लोगों में कॉन्शियसनेस, हर एक बोलते कि मैं त्वचा वगैरह एंड ऑल, मैं बहुत ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए ना। तो यहाँ पे जो हमारी एज है ये हमें यंग रखते हैं, जो भी हमारी बॉडी में रिंग, जो भी हमारे फेस पे रिंकल्स वगैरह आते हैं, जो भी हमें प्रॉब्लम्स होती है, जो भी हमें पैचेस वगैरह आ जाते, तो ये क्या करते हैं, ये हमें यंग रखते हैं। दैट इज सॉरी कॉल कंटिन्यूसली मेरे को आ रहे, तो यहाँ पे तो ओबीसी प्लस एंड द सेकंड वन इज टियान्स सेल रिजेनोवेशन, ये हमें यंग एज रखने में मदद करते हैं काफी ज्यादा। एंड बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ये इसका स्लाइड शो कर रही हूँ, दैट इज एडल्ट प्रोटीन, ये किनको हम दे सकते हैं, जिम पर्सन जो भी जिम पर्सन है उनको हम रिकमेंड कर सकते हैं ये वाले प्रोडक्ट्स। क्यों रिकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट जो वो प्रोडक्ट लेते हैं उनमें उतना उनको मिलता नहीं है जो वो चाहते हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल हमें नेचुरल प्रोडक्ट मिला, ये आप जिम पर्सन को रिकमेंड कर सकते हैं। हमें जो बॉडी में प्रोटीन चाहिए होता है आफ्टर जब वो जिम वगैरह करते तो उसके बाद उनको प्रोटीन काफी अमाउंट में चाहिए होता है, आप उनको ये रिकमेंड कर सकते हैं, या एडल्ट प्रोटीन पाउडर कर सकते हैं उनको रिकमेंड। और यहाँ पे मैं बात करूँ हेल्थ केयर की लिटिल बिट, जो हमारे कंटिन्यूसली कॉल सॉरी सर, तो यहाँ पे पर्सनल केयर की बात करें, पर्सनल केयर में हमारा एरिबिटाइज नीम एंड आमला है, वो तेल है, तो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको मैं बता दूँ, ये है उसकी स्लाइड, ये वाली दिस वन। एंड यहाँ पे क्या होता है, जो हमारे बाल होते हैं किसी को जब भी वो यूज करते तो हमारे बाल जड़ जाते, तो ये ना पहले जो भी हमारे डेड हेयर है वो पहले उनको निकालते हैं, पूरी रूट अपरूट करके निकालते हैं, पोर्स होते हैं वो ओपन करते हैं, पोर जो ही हम ओपन करते हैं तो उसके बाद हमें नए बाल उगना शुरू हो जाते हैं, तो वो काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम लोगों को बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स आ जाती है हमारे बालों में, वीकनेस, जैसे हमें स्टमक की किसी को प्रॉब्लम होती है वो डायरेक्ट कंटेक्ट हो जाते हैं, किसी को आई की प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से भी हमें बाल झड़ना हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप उनको ये वाला रिकमेंड प्रोडक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बात करूँ ओयर केयर की, हमारा टूथपेस्ट है
टूथपेस्ट की मैं बात करूँ, सपोज अगर हम कोई भी मार्केट वाला टूथपेस्ट लेते हैं लाइक कोलगेट लेते हैं, पेप्सोडेंट लेते हैं, बहुत सारे ऐसे मार्केट में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, तो उनमें क्या होता है, हर एक ही बात करें उनमें क्या होता है, उनमें प्रोडक्ट उनमें क्या होता है, उनमें फ्लोराइड होता है. अगर खुदा ना खास्ता वो बच्चे जो ही ब्रश करते हैं उनको स्टमक में चला जाएगा, उनसे क्या होता है खुदा ना खास्ता कैंसर की बीमारी अलामत है. तो यहाँ पे क्या जो हमारा और केयर है उसमें क्या, उसमें नॉन फ्लोराइड है, उसमें बिल्कुल भी फ्लोराइड नहीं है, दैट मीन्स वो नॉन फ्लोराइड है. आप किसी को छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं, अगर उसको वो पेट में चला भी गया उसको प्रॉब्लम नहीं होगी पेट में. तो यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट का सेशन है वो पूरा ख़त्म हो गया. आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा जितना भी मैंने बोला होगा, थोड़ा थोड़ा ही बोला, लिटिल बिट ही बोला, बट आई होप कि आपको समझ आया हो. थैंक यू सो मच मेरा सुनने के लिए. थैंक यू वेरी मच मैम, आपने बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से हमें नॉलेज अपने नॉलेज शेयर करी आपने ड्रग्स के रिलेटेड, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. तो इसके बाद चले नेक्स्ट सेशन में, ये था हेल्थ का सेशन, चलेंगे आप हेल्दी बनने के लिए. जी सर, आर यू गेटिंग मी? जी सर, सॉरी मैं बीच में काट रहा हूँ कि इनका एक अनाउंस, सैटरडे इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो. हाँ सर, तो मैं ये कह रहा था कि सैटरडे को जो है इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी 3 बजे. आपको आवाज आ रही है सर? प्रोडक्ट ट्रेनिंग, प्रोडक्ट ट्रेनिंग इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होगी. एक प्रोडक्ट पे पर्टिकुलर करेंगे, एक आधा घंटा ट्रेनिंग करेंगे और डीप चेक करेंगे, मैकेनिज्म बताएं. ठीक है, थैंक यू सर, कैरी ऑन. मैं चलूं सर? बिल्कुल सर, भागो सर, भागो. तो सभी लोग यहाँ पर ड्रीमर्स बैठे हैं, तो मैं एक बात. जी सर, कैरी ऑन सर, कैरी ऑन. अच्छा, मैं सब कुछ बोल रहे हैं. तो सभी लोग हम यहाँ पर जो बैठे हैं ना, वो ड्रीमर्स बैठे हैं, ड्रीमर्स. और क्योंकि ड्रीमर ही ऐसा होता है जो लाइफ कुछ बड़ा कर सकता है, जो अपने ड्रीम्स के लिए भागता है, साथ चलता है. तो लेकिन ड्रीमर्स के ड्रीम्स मरते क्यों हैं? बहुत सारे ड्रीम्स से होते हैं जिनके ड्रीम्स वो चलते हैं, उनके ड्रीम्स मर जाते हैं. तो एक बहुत बड़े राइटर हैं, वो कहते हैं कि 99% ऑफ द ड्रीम्स डाई बिकॉज ऑफ वरिंग व्हाट विल यू से. 99% लोगों के ड्रीम्स मर जाते हैं, ड्रीम्स को छोड़ देते हैं, वो भूल जाते हैं ड्रीम्स, वो अपने टारगेट, अपने लक्ष्य को, गोल को भूल जाते हैं. कि उसकी वजह ये होती है लोग क्या कहेंगे. तो ये एक बहुत बड़ा एक मतलब अगर हम कहें बहुत बड़ी बीमारी, बहुत बड़ा कीड़ा है. सबसे पहले हमें इस दिमाग से, अपने दिमाग से इस चीज को बाहर निकालना कि हमें लोगों की परवाह नहीं करनी है, तभी हम अपने ड्रीम जिंदा रख सकते हैं और अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं. और इसी पे अलाउद्दीन इकबाल ने भी कहा है कि आज तक जिस उस खुदा ने आज तक उसको हालत नहीं बदली, ना हो एहसास खुद जिसे अपनी हालत के बदलने का. हमें खुद ऐसा करना होगा, हमें खुद से मेहनत करनी होगी, तभी हम अपने गोल अचीव कर पाएंगे. नेक्स्ट सेशन के लिए हमें इसमें पैसा कैसे कमाना है, हमें कैसे वेल्दी बनना है, हमें बहुत सारी दौलत कैसे कमानी है, ज्ञान से कैसे पैसा निकाला जा सकता है, तो मैं इसके लिए आपने वेलकम करता हूं जनाब बासित साहब को. प्लीज आए और टियांस का खूबसूरत सा मार्केट प्लान हमारे सामने शेयर करें. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. वालेकुम अस्सलाम. सर मेरी स्लाइड शो हो रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर. ओके सर, ओके. जी सर, तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए मैं सीधी प्लान पे आता हूँ, क्योंकि कश्मीर है, कभी भी 2G का अटैक हो सकता है, तो पहले सेशन को कम्प्लीट कर लेते हैं. तो अभी तक जो एक हमारी कॉरपोरेशन के जो भी डायरेक्ट सेलर कंपनी होती है, उनके जो 3 पिलर्स होते हैं, प्रोफाइल, प्रोडक्ट एंड प्लान, तो 2 पिलर्स तो अभी तक शेयर हो गए हैं कि हम कौन है और हमारे पास क्या है. तो होप है कि आपको इंशाल्लाह वो बहुत अच्छे लगे होंगे. लेकिन अभी बारी आती है 3rd पिलर की, जिसको हम प्लान एंड पे आउट कहते हैं, जिसका मकसद होता है कि हमें करना क्या है और हमें मिलेगा क्या. तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज क्लियर कर लूँ कि जो हमारा वाला बिजनेस है, जो बिजनेस हम करते हैं,
इस बिजनेस में आप एक चीज की वजह से अच्छी खासी इनकम कमा सकते हो। वो वजह क्या होती है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, वो वजह होती है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है, देखो ये दो इनकमें होती है, एक होती है एक्टिव इनकम जो यहाँ पे लिखी है और दूसरी होती है पैसिव इनकम। तो एक्टिव इनकम क्या होती है, एक्टिव इनकम में ज्यादातर लोग या तो एम्प्लॉय आते हैं या तो सेल्फ एम्प्लॉय आते हैं। एम्प्लॉय तो आपको गेटिंग हो रहा होगा, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉय ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है। सेल्फ एम्प्लॉय उन लोगों को कहते हैं जो खुद का कोई शॉप खड़ा करते हैं या खुद की कोई मतलब कोई काम स्टार्ट करते हैं, उनको ना सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। जो गवर्नमेंट के अंदर काम ना कर रहे होंगे, खुद का ही कुछ स्टार्ट करे, तो उनको हम सेल्फ एम्प्लॉय कहते हैं। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय जो होते हैं वो हमेशा ना एक्टिव इनकम ही कमाते रहते हैं। एक्टिव इनकम बोले तो कि उनको इनकम कमाने के लिए एक्टिव बैठना होता है। अगर वो एक्टिव ना बैठे, घर में सोए रहे या किसी कारण या मतलब बीमार पड़े रहे, तो उस दौरान उन्हें कोई अर्न नहीं होती है। तो उसी बरक्स अगर हम दूसरी इनकम की तरफ नजर डालेंगे, पैसिव इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है, इसमें एक चीज होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा काम स्टार्ट करी है कि एक साल दो साल के बाद आपने उस आप उस काम से थोड़ा सा दूर जाने लगे या घर में ही बैठने लगे, तो घर बैठे बैठे भी अगर उस काम की वजह से आपकी इनकम बन रही है, तो उस चीज को हम कहते हैं पैसिव इनकम। तो यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पे हम सारे जियो सिम यूज करते हैं। जो जियो सिम है, जियो का जो मालिक है वो अंबानी है। अंबानी जो है, अगर वो इस टाइम सो भी रहा होगा, फिर भी उसके अकाउंट में पैसे आते होंगे। किस चीज की वजह से, पैसिव इनकम की वजह से। तो वो लोग करते क्या है, वो अंबानी जो है वो रिच है। तो रिच का जो फार्मूला, वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फार्मूला ऑफ बिकमिंग रिच, रिच बिल्ड नेटवर्क बट पुअर नॉट। तो रिच बनने का जो फार्मूला होता है वो होता है नेटवर्क बिल्ड करना। अब ये नेटवर्क होता है क्या, मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूंगा। नेटवर्क यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप इस बिजनेस के साथ जुड़ जाते हो तो आपको काम क्या करना पड़ता है, वही काम करना पड़ता है जो ये रिच लोग करते हैं। क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में ही कहूँ कि यहाँ पे आपको पैसिव इनकम मिलती है। पैसिव इनकम वो वाली इनकम कि अगर आप सोते भी होंगे, अगर आप किसी अगर आप एक्टिव ना होंगे काम पे, तब जाके भी आपको इनकम मिलती है। तो वो वाली पैसिव वाली इनकम ज्यादातर लोग रिच लोग कमाते। लेकिन रिच लोग पैसिव इनकम कैसे कमाते, बिकॉज ऑफ नेटवर्क। तो ऑब्वियसली हम भी इस बिजनेस में रिच बनने के लिए आए हैं, अपने सपनों को फुलफिल करने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें कॉपी करनी है रिच लोगों को। हमें देखना है कि कौन से लोग कामयाब हो रहे हैं, कौन से लोग रिच हो रहे हैं और वो कौन सा काम कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली हमें भी वही काम करना होगा, तो ओवरऑल हम भी रिच हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रिच कौन सा काम करते हैं, वो अपना जो है नेटवर्क बिल्ड करते हैं। सेम चीज आपको यहाँ पे कर, यहाँ पे ग्राफ बना दिया गया है कि फॉर एग्जांपल मान के चलो ये जो सबसे ऊपर है, इमेजिन कर लो कि ये आप हो, ठीक। तो आपको क्या करना है, आपको तो इन होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना है। नेटवर्क किस लिए बिल्ड करना है, क्योंकि रिच बनने का फार्मूला यही है, पैसिव इनकम कमाने का फार्मूला यही है। सिंपली आपको क्या करना है, इस बिजनेस को आपको दूसरों तक पहुंचाना है। लाइक ये आ गया, फॉर एग्जांपल कोई फ्रेंड आ गया आपका, कोई रिलेटिव आ गया, कोई टीचर आ गया, कोई पीर आ गया, पीर बोले तो जिसके साथ हम पढ़े होंगे। तो जब ये जब इस बिजनेस को सुनेंगे, इनको भी पैसिव इनकम कमानी होगी, तो ये भी अपने चार लोगों के साथ शेयर करेगा। तो ऐसा करके जो है एक पूरा नेटवर्क बनेगा और इस चीज की वजह से हम ये पैसिव इनकम कमा सकते हैं। जो या फिर इस बिजनेस में इन होते हो, ये बिजनेस आपके लिए लायबिलिटी फ्री बन जाता है, रिस्क फ्री बन जाता है और टेंशन फ्री बन जाता है। क्योंकि जब रिस्क ही नहीं रही तो ये टेंशन फ्री भी बन जाते हैं, राइट। तो इसके बाद में जाऊंगा कि अब यहाँ पे इनकम हमें कैसे मिलती है। इनकम सिंपली ये जो बिजनेस है, बिजनेस हमेशा प्रोडक्ट पे डिपेंड होता है और हमारे पास चार कैटेगरीज की प्रोडक्ट है जो आपने सुननी होगी, ठीक। तो चार कैटेगरी की प्रोडक्ट जो है तहलील में हमने थोड़े सा आपके साथ शेयर किया। तो वो प्रोडक्ट जो है वो ऑलरेडी से हम कहाँ से लाते हैं, मार्केट से लाते हैं। मार्केट में किसी गुलाम मोहम्मद, गुलाम हासिम, किसी के पास भी जिसके पास हम लाते हैं। लाइक हमारे घर में सोप यूज होता है, शैम्पू यूज होता है, बर्तन धोने की साबुन, कपड़े धोने की साबुन, पेस्ट यूज होता है, फेस वॉश एक्स्ट्रा हमारे घर में यूज होता है, वो प्रोडक्ट हम सिंपली कहाँ से लाते हैं, मार्केट में किसी शॉपकीपर के पास लाते हैं। लेकिन वो जो शॉपकीपर होता है, वो जो रिटेलर होता है, वो इन
प्रोडक्ट को घर में नहीं बनाता, वो लाता है होलसेलर के पास, होलसेलर घर में नहीं बनाता वो लाता है डिस्ट्रीब्यूटर के पास, डिस्ट्रीब्यूटर घर में नहीं बनाता वो लाता है स्टॉकिस्ट, फिर सुपर स्टॉकिस्ट, फिर आते हैं फैक्ट्री कंपनी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। तो अकॉर्डिंग टू अ सर्वे जो कोई भी प्रोडक्ट कंपनी में बनता है वो खाली 20-30% में बनता है। तो एग्जांपल के तौर पे, तो अगर आपके पास कोई पेन है या आपके पास कोई नोटबुक है, वो जो पेन है वो खाली जो है कंपनी में खाली 20 रुपए में बनी है, लेकिन हम लोगों को 100 रुपए में मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि वो जो बीच वाले भाई साहब होते हैं होलसेलर रिटेलर और जो डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट, और वो ना अपना मार्जिन निकालते, और सबसे मार्जिन जो ज्यादा निकालता होता है एडवर्टीजमेंट। ठीक, तो 60% का जो प्रॉफिट है वो कहाँ पे जाता है? इन लोगों के पास जाता है, लेकिन एट द एंड जो बेचारा प्रोडक्ट लेता है उसको कुछ भी नहीं मिलता। तो टियानस आपको क्या करता है, बोलता है ये जो मार्केट वाला भाई साहब है इसको कुछ टाइम के लिए बाय बाय करना है, इसको बोलना है कि मैं आऊंगा आपके पास से, लेकिन कुछ टाइम के लिए जो प्रोडक्ट मैं आपके पास ला रहा था वो मैं टियांस के पास लाऊंगा। राइट, तो टियांस आपको क्या देगा? टियांस आपको उसके बदले बहुत सारे प्रॉफिट्स देगा। लाइक जब आप मार्केट वाले भाई साहब के पास लाते थे, या आपको मतलब 10 रुपए की साबुन 9 रुपए में नहीं देता, या आपको 11 रुपए में देगा लेकिन 9 रुपए में नहीं देगा। राइट, तो यहाँ पे ना आपको कोई डिस्काउंट नहीं देता। जो ही आप एक बार जिंदगी में एक बार इस मार्केट वाले भाई साहब को बाय बाय करते हो, जो प्रोडक्ट इसके पास लाते थे वो जिंदगी में एक बार टियांस के पास लाते हो, तो उससे क्या होता है, आपको उसी टाइम 20-25% जो है डिस्काउंट मिलना स्टार्ट हो जाता है उसी टाइम पे, जो कि मार्केट वाला भाई साहब आपको नहीं देता था। ऑलराइट, तो इसके बाद क्या होता है, ये वाला भाई साहब आपको कभी नहीं कहता कि आप ना पिछले 20 सालों से मेरे पास से प्रोडक्ट ले रहे हो, चल अभी ना मेरे साथ बैठ जा, जो मैं कमाऊंगा उसमें से आधी तू ले जा। मीन्स यहाँ में अपना जो है पार्टनर नहीं बनाती। तो ये क्या करता है, टियांस क्या करता है, बोलता है कि खाली एक बार है, एक बार मेरे से आप ये करो परचेज कर लो, तो एक तो डिस्काउंट दूंगा, दूसरा आप डिस्ट्रीब्यूटर बनोगे, अगर आप यहाँ पे इनकम कमाना चाहोगे पैसिव इनकम, तो उसके लिए भी हम एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, लाइक अगर आप कोलगेट की बात करो, उसमें कैंसर पेशेंट्स होते हैं, जो भी स्टोमक की प्रॉब्लम होती है, आज कोलगेट का मैन रोल उसमें अदा होता है। कोलगेट को एक्चुअल में बैन किया गया था, लेकिन इंडिया में है तो बैन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं वो क्या होते हैं, वो केमिकलाइज्ड होते हैं। तो इस बराकस जो प्रोडक्ट्स आप यहाँ से लाओगे वो प्योर क्या होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। राइट, तो इसके बाद मैं अगली स्लाइड पे जाऊंगा, यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पे लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको कंपनी में रजिस्टर होना पड़ेगा। रजिस्टर कैसे आप हो जाओगे, आपको सिंपली क्या करना है, अपना आप जो मैंडेटरी है, जो चीज कंपलसरी है सबसे पहले, वो ये है कि एज जो है वो 18 ईयर्स एबो होनी चाहिए, ये सबसे पहली चीज। और दूसरा, इसमें इन होने के लिए, बिजनेस में इन होने के लिए, बिजनेस पार्टनर बनने के लिए, इस कंपनी में ज्वाइन करने के लिए आपके लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं, लाइक पैन कार्ड का 4 स्टेट लग जाता है, बैंक पासबुक का 4 स्टेट लग जाता है, इसी तरह आधार कार्ड जो है उसका 4 स्टेट लग जाता है, आपके 2 फोटोग्राफ्स लग जाते हैं। इस बिना इस चीज के बेसिस पे आपकी क्या बन जाती है, एक आईडी बन जाती है। ठीक, तो आईडी के बाद क्या करना है, आईडी के बाद आपको उस दुकान वाले भाई साहब को बाय बाय करना है, उसको लाइफ में एक बार चेंज करना है। लेकिन चेंज करने के लिए हमारे जो कॉरपोरेशन है इसने कुछ ऑप्शंस रखे हैं। ठीक, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है उसका नाम रखा प्लैटिनम कार्ड, प्लैटिनम याद रखना, प्लैटिनम मेंबरशिप यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक, और दूसरा जो ऑप्शन रखा वो रखा गोल्ड मेंबरशिप, ठीक, मीन्स गोल्ड कार्ड। तो तीसरा जो ऑप्शन रखा वो रखा सिल्वर, और चौथा जो रखा वो रखा ब्रॉन्ज। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं, प्लैटिनम बनने के लिए अगर आप फॉर एग्जाम्पल गोल्ड हो, गोल्ड कार्ड, ठीक, जब भी आपके नेटवर्क के नीचे 2 और गोल्ड कार्ड आ जाते हैं आप ऑटोमेटिकली प्लैटिनम कार्ड बन जाते हो। तो प्लैटिनम कार्ड का जो वैल्यू होता है वो होता है 1200 BV, 1200 BV के अगर रुपीज में देखे जाए वो क्या बनता है, वो बनता है 1,20,000। मीन्स इस बिजनेस को आप खाली 1,20,000 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, लेकिन हमारी कॉरपोरेशन का, हमारी इस बिजनेस का जो ओनर है, तो इस यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल है मिस्टर ली जिनयान, उसने क्या बोला, उसने बोला कि मेरी जो कॉरपोरेशन है इसमें हर एक बंदा आना चाहिए, एक अमीर से अमीर, एक गरीब से गरीब, और मिडिल क्लास भी इसमें आना चाहिए। तो ये वाला जो ऑप्शन है, जिसके पास ऑलरेडी अच्छा पैसा होगा, जो बिजनेस को दिल से करने आया हो और मतलब अपना फ्यूचर बनाने आया हो, तो वो इस कार से स्टार्ट कर सके। लेकिन अगर किसी के पास इतने पैसे नहीं है, 1,20,000 नहीं है, वो खाली 40,000 से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है, जो कि यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटी
अपॉर्चुनिटी, आप खाली 40,000 से स्टार्ट कर सकते हो। ठीक, अगर किसी के पास इतना भी नहीं है तो वो सिल्वर कार्ड से स्टार्ट कर सकते खाली 20,000 से, और लास्ट पे जो ऑप्शन रहता है वो रहता है ब्रोंज कार्ड जो कि 10,000 इसका वैल्यू होता है। आप खाली 10,000 से भी ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, राइट। तो इसके बाद मैं आगे चलूंगा, उसके बाद क्या करना है, देखो आपने यहाँ पे क्या करी, आपने रजिस्ट्रेशन करी, आपने उसके बाद क्या किया, आपने इन कार्डों में से कोई कार्ड चूज किया, इसके बाद आपको वर्क करना पड़ेगा। वर्क हमारा क्या है, वर्क हमारा यही है, हमारा काम है मतलब अलग लैंग्वेज में अगर हम देखी जाए, एक लैंग्वेज में हमारा काम है सिंपली सोशल वर्क करना। तो कश्मीरी, आप सारे कश्मीरी हो तो ये चीज आपको पता होगी कि यहाँ पे कितने वेल एजुकेटेड लोग हैं जो MBBS, BTech, MTech, MCom, BA, MBA, etc. करके घर में कोने में बैठ के ना डिप्रेशन में। डिप्रेशन में क्यों है, वो इसलिए है क्योंकि हमारे माँ बाप ने मतलब खून पसीना बहा के हमें पढ़ाया, लेकिन वो अच्छी खासी पढ़ाई भी करता है लेकिन उसके बाद उसे जॉब नहीं मिलती है, मीन्स वो क्या जाता है, डिप्रेशन में जाता है। ऐसे ही हमारे रिलेटिव्स में आते हैं, फ्रेंडशिप में आते हैं, हमारे मतलब नेबर्स में आते हैं, तो हमें क्या करना है, उन लोगों तक ये अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, उन लोगों तक ये बात पहुंचानी है। तो उस चीज की वजह से आपका क्या बन जाएगा, आपका एक नेटवर्क बन जाएगा। तो यहाँ पे जो ही आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेते हो, फिर इन कार्डों में से कोई कार्ड चूज कर लेते हो, और उसके बाद जो ही आप वर्क में स्टार्ट करते हो, तो जो ही वर्क करोगे तो उसके बाद आपकी इनकम आने भी शुरू हो जाती है। ठीक, सबसे पहली इनकम मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगी, इसको हम रिटेल सेविंग इनकम कहते हैं। रिटेल सेल इनकम बोले तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप मार्केट से कोई भी चीज लाते हो उसकी MRP दी होती है, यहाँ से भी कोई भी प्रोडक्ट लाओगे उसकी भी MRP दी होती है, लेकिन जो ही आप ज्वाइन करते हो मैंने बोला 20% आपका ऑफ मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है आपने MRP पे लाया, लेकिन अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको DP रेट पे मिलता है। ठीक, मीनस ब्रोंज कार्ड पे भी आपको ना हर एक कार्ड पे क्या मिलेगा, हर एक प्रोडक्ट पे 20% जो है ऑफ मिलेगा। ठीक, अगर आप स्पेशल डिस्काउंट, इससे ज्यादा डिस्काउंट खाना चाहोगे तो अगर आप ब्रोंज कार्ड से आए हो तो स्पेशल डिस्काउंट नहीं मिलेगा, सिल्वर कार्ड पे 5% स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा, गोल्ड कार्ड पे 8% मिलेगा, और प्लेटिनम कार्ड पे आपको 15% का स्पेशल डिस्काउंट मिल जाता है। राइट, तो अब मैं यहाँ पे आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा ये DPMRP एक्स्ट्रा है क्या। मान के चलो हमारा एक प्रोडक्ट आता है ओरो केयर आता है जो की बहुत ही बढ़िया टूथपेस्ट है, जो कि मार्केट में इसके मुकाबले में अभी कोई भी नहीं है, तो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी आई थिंक अभी हम नहीं करते, लेकिन इसकी अलग से डेमोन्स्ट्रेशन आती है। तो बाजार से अगर आप HCL अगर अवेलेबल हो जाए तो HCL का एक ड्रॉप क्या करना है, इस टूथपेस्ट पे डालना है, तो यहाँ पे रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर आप वही HCL का ड्रॉप कहाँ पे डालते हो, कोलगेट पे डालते हो, तो वहां से क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। मैंने HCL का क्यों बोला, क्योंकि जो ही हम टूथपेस्ट करते हैं उस टाइम सम पार्ट जो होते हैं थूक के साथ क्या जाते हैं, हमारे स्टोमक में जाते हैं, हमारे स्टोमक में HCL होता है, तो कोलगेट अगर हम यूज करते हैं तो उसके साथ रिएक्शन करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है स्टोमक प्रॉब्लम हो जाती है। राइट, तो यहाँ पे ये सबसे बेहतरीन आ रहा है अभी पूरे मार्केट में। तो इसकी MRP अगर देखी जाए 186 रुपीज में आती है। राइट, लेकिन अगर हम ज्वाइन करते इस मेंबरशिप, इन मेंबरशिपों में कोई मेंबरशिप हम चूज कर लेते तो हमको ये खाली 149 रुपीज में मिलते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप ब्रोंज कार्ड से तो ये 149 में मिलेगा, सिल्वर कार्ड पे आपको 5% का स्पेशल डिस्काउंट मिलता है, मीन 135 पे ही मिलेगा, और प्लेटिनम कार्ड पे आपको ये खाली 117 रुपीज में मिल जाता है। तो ये आपका सबसे पहला प्रॉफिट यहाँ पे बन जाता है। तो इस प्रोडक्ट का दिखा यहाँ पे MRP इसकी 160 है, लेकिन जो ही आप ज्वाइन कर लेते हो आपको खाली 128 रुपीज में मिलता है। अगर आप प्लेटिनम कार्ड से आ जाते तो आपको जो स्पेशल डिस्काउंट है वो 20% मिलता है, तो आपको ये खाली 100 रुपीज में मिलता है। मीन्स प्रोडक्ट में प्लेटिनम कार्ड पे जो आपका मार्जिन बनता है, खाली जो डिस्काउंट वाला मार्जिन बनता है इस प्रोडक्ट पे, वो प्लेटिनम कार्ड पे आपको 60 रुपीज का बनता है। ऑलराइट, तो इसी तरह बहुत सारे प्रोडक्ट का यहाँ पे दिया गया है कि इस प्रोडक्ट में आप कितना ये जीत सकते हो। तो दूसरी इनकम की मैं बात करूं, दूसरी इनकम होती है डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग। जब डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग बोले तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ब्रोंज यहाँ पे इमेजिन कर लो, जो ब्रोंज मेंबरशिप है ये ब्रोंज नहीं, ये ऑफ हो, आपने क्या किया, आपने ब्रोंज कार्ड किया, आपने अपने रामलाल के साथ एक तो शेयर किया और दूसरा श्यामलाल के साथ, मान के चलो ये आपके दो फ्रेंड्स है, तो इसको भी इस चीज की नीड थी और
श्यामलाल को भी इस चीज की नीड थी। तो जो ही ये दो बंदे आपके साथ जुड़ जाते हैं आपको इनकम आती है, इसका ब्रॉन्ज कार्ड पे 10% और इसका भी 10% और मैचिंग इनकम मिला के 8%। तो इन दो बंदों की वजह से आप 1848 रुपीज कमाते हो। अगर आप खाली एक दिन में इन दो बंदों को ज्वाइन कराते तो ये एक दिन की इनकम होगी, अगर आप एक हफ्ते में तो एक हफ्ते की इनकम, तो अगर आप एक महीने में तो एक महीने की इनकम आपकी ये होगी। ये आपके काम पे डिपेंड करेगा, क्योंकि यहाँ पे जब आप काम करोगे तभी पैसा मिलेगा, काम नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि इट इज नॉट अ लॉटरी, इट इज नॉट अ स्कीम। मैं बार बार ये चीज मेंशन करता हूँ, ये बिजनेस है, यहाँ पे काम करोगे तभी यहाँ पे पैसा मिलेगा। तो इसी तरह अगर आप आए हो अब गोल्ड कार्ड, गोल्ड कार्ड ठीक, अगर आप गोल्ड कार्ड से आए हो तो यहाँ पे आपको इसकी जो डायरेक्ट इनकम मिलती है वो मिलती है 18% और इसकी भी जो डायरेक्ट इनकम मिलती है वो मिलती है 18%। यहाँ पे खाली 10% मिलता था क्योंकि आप खाली आप सबसे लोवेस्ट कार्ड से आए थे, अगर आप आते हो गोल्ड कार्ड से तो 18%। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो इन दो बंदों की जो इनकम बनती है वो बनती है 12,000। यहाँ पे खाली 1848 रुपीज बनता था और यहाँ पे जो आपकी इनकम है वो बनता है 12,144 रुपीज। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये डिपेंड करता है आपके कार्ड पे, आपके मेंबरशिप पे, कि आप किस मेंबरशिप के साथ इस बिजनेस में इन हुए हो। गई दूसरी इनकम। अभी मैं तीसरी इनकम जो लास्ट इनकम आपके साथ शेयर करूंगा। एक्चुअली हमें 8 types ऑफ इनकम आती है, जो पहली इनकम आपको दिखाया डिस्काउंट का वो मिला के 9 हमें आती है। तो मैं खाली ये लास्ट इनकम आपके साथ शेयर करूंगा, जो बाकी के जो इनकम है वो जो है एक्चुअली हमारे ट्रेनिंग होते हैं। तो जिस टाइम भी हमारा ट्रेनिंग होगा, जिसके साथ आज आप इस जूम मीटिंग के साथ जुड़ी हो, उसी को पकड़ ले, उससे बात करके उसको बोलो कि हमें ट्रेनिंग दे, हमें समझाए कि 8 कैसे आती है, क्योंकि यहाँ पे हम सारा आपके साथ शेयर नहीं कर सकेंगे। राइट, तो तीसरी इनकम जो होती है इसको मैचिंग बोनस कहते हैं। मैचिंग बोनस एक और बोनस आता है जो सबसे बढ़िया होता है। मैचिंग बोनस कैसे होता है, एक प्रोसेस चलाने की वजह से, जिस प्रोसेस का नाम है ईच वन टीच टू। क्या होता है, मान के चलो ये जो सबसे ऊपर जो यहाँ पे ये बनाया है ग्राफ एक बनाया है, मान के चलो ये आप हो। राइट, तो जो ही आप इस बिजनेस में इन होते हो, आप अपने एक रामलाल के साथ शेयर करते हो, दूसरी साइड में श्यामलाल के साथ शेयर करते हो, ये आपके दो फ्रेंड्स है ठीक। तो आपने क्या किया, ईच वन मीन्स आप एक हो, टीच टू आपने इन दो फ्रेंडों को सिखाया ठीक। तो यूं ही ये प्रोसेस आगे आगे चलता है, ये अपने दो को सिखाएगा, ये अपने दो को सिखाया, तो चलते चलते जब ये चल जाएगा, मतलब इसकी जो इनकम आती है वो मैचिंग इनकम आती है वो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे दिख रहा है आराम से, मीन्स ये आप हो मान के चलो, पिंक कलर जो है ठीक। तो ब्लू कलर में एक साइड एक वाला फ्रेंड, दूसरे साइड से दूसरे वाला फ्रेंड ठीक। तो इसने क्या किया, इसने भी आपने इनको सिखाया ईच वन एंड टीच टू। तो इसने क्या किया, ये प्रोसेस आगे रखा, ईच वन टीच टू। तो ऐसा करके एक ना एक बड़ा नेटवर्क बन जाता है। और इन दो लोगों का जो प्रॉफिट जो पावर है वो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। मान के चलो ये पहला महीना है, अपने दो बंदों के साथ क्या किया, उनको सिखाया। तो ब्रॉन्ज कार्ड पे अगर आप सबसे लोवेस्ट कार्ड से आए तो पहले महीने की इनकम 1848 रुपीस आपकी बन जाएगी। लेकिन अगर आप प्लैटिनम कार्ड से आए हो 13,464 की इनकम आपकी बन जाती है। राइट, तो दूसरे महीने आपको 1056 रुपीस मिलती है ब्रॉन्ज कार्ड पे और यहां पे मिलते हैं 11,603 रुपीस आपको यहां पे मिलते हैं। तो इसी तरह जब ये आगे आगे जाएगा तो लास्ट मतलब साल मतलब जब एक साल कंप्लीट हो जाएगा मींस एट द मंथ ऑफ 12 आपकी जो ब्रॉन्ज कार्ड पे इनकम होगी वो होगी 10,81,344 रुपीज और प्लेटिनम कार्ड पे वो जाएगा, या एक्चुअली यहाँ पे कैलकुलेशन यहाँ से थोड़ी सी गलत हो गई है, ये जाता है 13,20,000। राइट, तो ये खाली दो लैगों का ईच वन टीच टू प्रोसेस का जो है पावर है ठीक। तो हमारे पास बहुत सारी इनकम आ जाती है खाली दो लैग, अगर आप 3 लैग 4 लैग पे वर्क करते हो तो वो खुद देखो वो कितना बन जाएगा ठीक। तो ये मैंने आपके साथ खाली 3 इनकम शेयर करी है कि कैसे हमारी इनकम आती है ठीक। तो इसके बगैर मैं आपको एक और चीज यहाँ पे दिखाऊंगा कि हमारा जो बिजनेस है इस ये जो है ये 8 इनकम हमारी आती है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो टीम सेल्स बोनस, ये जो है लास्ट पे स्पेशल रिवार्ड, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 8 इनकम हमें आती है। वो जो पहली इनकम दिखाई थी उसके बगैर वो होती है रिटेल की इनकम, वो जो है डिस्काउंट इनकम उसके बगैर ठीक। तो ये मैंने 3 इनकम आपके साथ शेयर करी, बाकी जो इनकम है वो जिसके साथ आप आए हो वो उसी के साथ वो सर आपके साथ शेयर करेगा। अभी आती है बात क्या हमें कंटिन्यूसली हमें
आप कहते हो कि इसमें क्या मिलता है, पैसे इनकम है, जो बंदा पैसे इनकम कमाते है उसको तो फाइनेंशियल फ्रीडम भी हो जाती है और टाइम फ्रीडम भी हो जाती है, कि यहाँ पे टाइम फ्रीडम है, कहीं हमें कंटिन्यूअसली ये काम तो नहीं करना है, आपको कंटिन्यूअसली नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है कुछ प्रमोशंस होते हैं, जिस तरह हर एक ऑफिशियल फील्ड में होते हैं प्रमोशन स्टार्ट होते हैं यहाँ पे 3 स्टार से लेके जो 8 स्टार तक, इनको कहते हैं हम बेसिक रैंक्स। बेसिक रैंक्स बोले तो देखो मतलब जॉब गेट करने के लिए ना हमें 25 से लेके 30 इयर्स तक पढ़ना पड़ता है, वो स्ट्रगलिंग पीरियड होता है। इसी तरह ये बिजनेस है, मैं स्टार्टिंग में कहूँ ये लॉटरी नहीं है, स्कीम नहीं है, तो यहाँ पे भी एक स्ट्रगलिंग फेज होता है, वहाँ पे आपको 30 इयर्स पढ़ने पड़ते हैं 30,000 की सैलरी के लिए, 10,000 की सैलरी के लिए। यहाँ पे लाखों की इनकम आने वाली, अगर आप अच्छे से काम करोगे तो इमेजिन मत करना कि ये एमवी मिलेगा। यहाँ पे भी एक क्या एक स्ट्रगलिंग पीरियड है, जिस स्ट्रगलिंग पीरियड को हम कहते हैं बेसिक रैंक्स। बेसिक रैंक स्टार्ट होते हैं 3 स्टार से लेके 8 स्टार तक, तो 3 स्टार 4 स्टार 5 6 7 एंड 8। 3 स्टार आप तब बनते हो जो ही आप ज्वाइन करते हो, आप बनते हो 3 स्टार, और जो ही आप फिर कोई ब्रॉन्ज कार्ड 13,200 अगर आप करते हो तो आप बनते हो 4 स्टार। लेकिन अगर आपने सिल्वर कार्ड किया है 20,000 से स्टार्ट के लिए तो ऑटोमेटिकली आप बनते हो 4 स्टार। तो 5 स्टार बनने के लिए भी ये जो यहाँ पे दिखाया गया है 1200 का TNPU हमें देना पड़ता है, 6 स्टार बनने के लिए 5,000 का देना पड़ता है। तो इसी तरह 7 स्टार जो है बन जाओगे, हमारे नीचे जो ही 2 6 स्टार आते हैं तो इससे हम 7 स्टार बनते हो, उसके बाद हम फिर 8 स्टार बनते हो। 8 स्टार जो ही हम कंप्लीट करते हैं हम फिर ऑनरेरी रैंक्स में जाते हैं। ऑनरेरी रैंक्स बोले तो हम एक हिसाब के जो मतलब जिस तरह हमारे घरों में एक दामाद की रिस्पेक्ट होती है, इसी तरह हमारे इस कॉरपोरेशन में जो बंदे ऑनरेरी रैंक्स में जाते हैं उनकी रिस्पेक्ट होती है। यहाँ पे जाके आपको फिर क्या मिलती है, इस गोल्ड लाइन पे, गोल्ड लाइन पे हमें एक कार फंड भी अवार्ड में मिलता है, जिस कार का वैल्यू होता है 90,80,000, जो कि मैं आपको यहाँ पे शो करूंगा लास्ट पे। यहाँ पे मैं आपको शो करूंगा कि इसका जो वैल्यू है, कौन सी गाड़ी हमें यहाँ पे मिलती है। ठीक, तो ये जो है हमें रॉयल्टी भी मिलती है, ये इंशाल्लाह ये वाली गाड़ी हमें यहाँ पे मिल जाती है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं लग्जरी रिवार्ड कार फंड। कार फंड का वैल्यू होता है 90,80,000। ठीक, तो ये हमारे पाल बसना है सर, हमारे गुरु, हमारे सीनियर, जिसके बदौलत अभी पूरी इंडिया में मतलब अल्लाह के बाद इनकी वजह से पूरी इंडिया में इतिहास का बिजनेस चल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिसके नीचे अभी लाखों लोग मतलब कमा रहे हैं जिसकी वजह से। तो ये इसने ये कार अचीव करी है टियांस में, तो इसका वर्थ है 90,80,000। तो यहाँ पे हमें एक विल्ला फंड भी दिया जाता है, विल्ला फंड का वैल्यू होता है 1,12,00,000। लेकिन ये जो कार फंड और विल्ला फंड है ये हमें रातों रात नहीं मिलता, इसके लिए एक पर्टिकुलर रैंक होती है, जो बंदा उस रैंक को अचीव करता है उसी बंदे को वो चीजें मिलती है। तो मैं फिर से आपको कह रहा हूँ कोई लॉटरी नहीं है, स्कीम नहीं है, ये बिजनेस है, इसके लिए पर्टिकुलर रैंक होती है, जो बंदा उस रैंक को अचीव करता है उसी को वो कार और विला फंड मिलता है। और हर बंदे को फॉरेन घूमने का वो एक शौक होता है, एक ख्वाब होता है कि मैं अमेरिका घूमू, मैं जापान घूमू, मैं ये अलग अलग कंट्रीज में घूमू। तो ये जो हमारी कॉरपोरेशन है आपको पर ईयर 3 से 4 times फॉरेन जाने का भी मौका देती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, इन जगहों पे हमें लिया जाता है। तो थैंक यू सो मच। तो थोड़ा सा मैंने आपके साथ शेयर किया, होप है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मैंने थोड़ा सा मैंने आपके साथ 5% भी शेयर नहीं करी, तो जिसके साथ आप आए हो वो उससे बैठ के अच्छे से ये चीज समझ लेना, जब हमारी ट्रेनिंग होगी उन ट्रेनिंग को करके आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच वासित साहब, बहुत अच्छे से आपने बताया और डेफिनेटली आपने बहुत अच्छी बात करी कि ये लॉटरी नहीं है, ये रातों रात कुछ मिरेकल हो जाए ऐसा नहीं है। दिस इज अ बिजनेस, और बिजनेस को बिजनेस के तरीके से किया जाए ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप चढ़ते चढ़ते बड़े बड़े लेवल जो है वो इसमें अचीव कर सकते हैं। तो अचीव करने के लिए हमारा एक गोल होना चाहिए, ताकि हम इसमें एक टारगेट होना चाहिए, हम इसको अचीव कर सकें, और इस चीज से हमें प्यार होना चाहिए, हमें इश्क होना चाहिए। तो इसमें एक शेर सुनाता हूँ मैं आपको, मेरा वन ऑफ द फेवरेट मेरा शेर है, मैं अक्सर इसको गुनगुनाता रहता हूँ। तो अगर इस शेर पे आप गौर करेंगे तो डेफिनेटली आपके रोंगटे खड़े हो सकते हैं, रोंगटे समझते हो ये बाल जो टांगों के और इसके। तो शेर ये यू है, हाँ रोंगटे खड़े करने वाला शेर है सर, जब मैं अपने सही मोशन में आ जाऊं तो रोंगटे खड़े। वेलकम सर, वेलकम, बोलिए शेर बोलिए।
तो शेर कुछ इस तरह है कि जिंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे, जिंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे आप इस दिल के अगर मेहमान होते जाएंगे, यानी कि गोल, जिंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे आप इस दिल के अगर मेहमान होते जाएंगे, और जीत लूंगा मैं जहां की मुश्किलों को एक दिन, जीत लूंगा मैं जहां के मुश्किलों को एक दिन, वाह। हाँ दोबारा से बोलता हूँ, जिंदगी के मरहले आसान होते जाएंगे आप इस दिल के अगर मेहमान होते जाएंगे, इश्क की राहों में गुजरेंगे हजारों हादसे, इश्क से मुराद टारगेट, इश्क की राहों में गुजरेंगे हजारों हादसे, हार कर वो जीत के मैदान होते जाएंगे, और जीत लूंगा मैं जहां की मुश्किलों को एक दिन, राह के पत्थर सभी इंसान होते जाएंगे, और हौसला मेरा जहां में देखने की चीज है देखने वाले सभी हैरान होते जाएंगे। वाह 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 वा, क्या बात है जनाब, क्या तालियां। तो मेरे खुद के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मेरे टांगों के और बाजू के बाल जो है खड़े हो जाते हैं शेर को पढ़ते हुए। तो ये शेर खुद ने मुझे इतना एनकरेज कर देता है। तो सर नेक्स्ट सेशन के लिए मैं चलता हूँ हमारे ग्रेट अपलाइन वन एंड ऑनली मिस्टर इम्तियाज बाबा साहब, आप आए और सेशन को आगे स्टार्ट करें। थैंक यू सर, थैंक यू, मुझे भी आपने मौका दिया, लेकिन मैं उन साथियों को मौका दे तो उनसे जाके मिलते हैं, थोड़ा सा उनका जो है आपको इंट्रोडक्शन होना जरूरी है, क्योंकि कुछ साथी ऐसे होते हैं कि जो छुपे रुस्तम हैं हमारे बीच में बैठे हैं। तो आज थोड़ा आइए कुछ साथियों से आपको मिलाते हैं, मुझे भी नहीं नजर आ रहे हैं सभी साथी कौन कौन है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कुछ साथियों से मिलने के लिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इन सबका मैं वेलकम करूंगा जो हमारे साथ में है, कुछ हमारे साथ में है, जैसे आज मीर बासित जी बड़े दिनों के बाद, अभी जिनके आपने मार्केटिंग प्लान जिन्होंने इनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से कम टाइम में बहुत बढ़िया चीज जो डिलीवर करी है। और हमारे डॉक्टर साहब गुलजार अहमद जो है शुपियां से, अभी तो है कुलगाम से मेरी डिस्ट्रिक्ट से, लेकिन ये जो प्रैक्टिस करते हैं वो करते हैं शोपियान में, इनका भी स्वागत वेलकम है। और हमारे इस प्रोग्राम में आए हैं एक और नए सितारे जो है सेवन स्टार मिस्टर आफी अहमद डार, उनका भी वेलकम है। एजाज नजीर आपका भी बहुत बहुत वेलकम है, आई थिंक ये दोनों एक साथ बैठे हैं, इनके साथ में है इश्तियाक डार साहब का दिल से वेलकम। हाँ जी, उनका डार साहब का दिल से वेलकम, दिल से वेलकम है दिल से। तो डॉक्टर रजा अली सर हैं, सर आपकी अपलाइन है तो इनका तो है ही है, इनकी ट्रेनिंग भी रखनी है कल परसों प्रोडक्ट के बीच। तो यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम नहीं ले सकते हैं, तो हसीना जी सिस्टर हमारी जो है लगातार बनी रहती हैं हमारे साथ, तो बहुत अच्छा इनका भी हमारे साथ में। आज हम थोड़ा जानेंगे यहाँ कुछ लोग जो है जो कहते नहीं बोलते नहीं, इनका हम चेक करेंगे कि वाई ये क्यों इतना खामोश रहते हैं। आज हम मैं चाहूंगा कि हमारे बीच में यहाँ पे हैं आईजे एक्स टू, इनको खोलते हैं। आई थिंक ये हैं हमारे सेवन सितार आफी अहमद डार साहब शोपियान से हैं, ये बहुत ही खामोश रहते हैं। आई थिंक आफी अहमद डार साहब आज कुछ बोलना पड़ेगा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, प्लीज आप खुद को अनम्यूट करके एक मैसेज दीजिए और अपना तारुफ दीजिए। आफी अहमद डार साहब मैंने आपको अनम्यूट किया है, शायद उन तक मेरी आवाज नहीं जा रही है, तो अभी चलते हैं। हमारे साथ में जुड़े हैं, बहुत टाइम से जुड़े रहते हैं, बहुत सारी शख्सियत हैं जो खामोश रहती हैं लेकिन कुछ नहीं कहती हैं। कुछ लोग तो भाग रहे हैं कि हमें शायद बुलाएंगे ऐसा नहीं, अगर आप कहना नहीं चाहते तो आपको कोई नहीं बुलाएगा, कोई बात नहीं, आप ऐसे ही खामोश रहिए जैसे अगला खामोश था। तो मैं चाहूंगा यहाँ पे और भी है हमारे साथी, इनको चेक करेंगे। एजाज नजीर सर शायद आई थिंक आप, इमरान साहब आपके साथ, इश्तियाक साहब भी है। एजाज नजीर जी आज आप
मैंने आप देखा आपको, आप अनम्यूट कीजिए, कुछ कहिए, क्या कहना चाहेंगे? आज आप प्रोग्राम में बैठे थे, कैसे हैं जी? एजाज नजीर, अनम्यूट कीजिए खुद को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, आपका वेलकम है। मैं सभी को गुड मॉर्निंग प्रियांशी करना चाहता हूँ पहले। वेरी गुड मॉर्निंग। एक्चुअली आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं कुछ ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा इस टाइम पे, हम इस वक्त डिनर कर रहे हैं। बहुत हो गया सर, ये भी जो बोल दिया बहुत हो गया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। डॉक्टर रजा अली सर है सर हमारे बीच में, इन्होंने लॉकडाउन में बहुत ही अच्छा काम किया है। अभी भी भाग रहे थे, आई थिंक ट्रैवल कर रहे हैं। मैंने सर डॉक्टर साहब आपको अनम्यूट किया, कुछ कहना चाहेंगे? एक आधे मिनट के लिए मैंने आपको अनम्यूट किया है। आई थिंक डॉक्टर साहब तक हमारी आवाज नहीं जा रही है, तो हम दूसरी जगह चलते हैं। डॉक्टर साहब मैंने आपको अनम्यूट किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी डॉक्टर साहब, सर क्या हाल है? ठीक है, सभी ठीक है जी, तभी तो चैनल पैनल में बैठे हैं। जी 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 जी, अल्हम्दुलिल्लाह सर। अजाज साहब को मैं अपना डॉन लाइनर नहीं, मैं आप लाइनर समझता हूँ। अजाज साहब बहुत मतलब हमारे ग्रेट लीडर हैं, इंशाल्लाह इनके साथ मिलके अल्लाह ने चाहा तो काफी अच्छे तरीके से काम करेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत बड़ा करेंगे। इनको मैं सलाम पेश करता हूँ सर। जी 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 जी, इंशाल्लाह इनको मैं सलाम पेश। आपका ही आपकी मोहब्बत है सर। चलिए डॉक्टर साहब की आवाज चली। शुक्रिया अदा करूंगा। हेलो। हाँ जी हाँ जी, बोलिए सर। हेलो। हाँ जी बोलिए सर। सर का मैं शुक्रिया अदा करूंगा डॉक्टर साहब का कि इन्होंने हमें मौका दिया। सर डॉक्टर साहब तो इनके बैकबोन है, जिनकी वजह से प्रोग्राम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल, ये इतना बूस्ट अप करते हैं बंदे के, बंदा मरा हुआ जिंदा हो जाता है। वाह वाह क्या बात है, बेशक बेशक वाकई। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर साहब। आपका भी सेशन तो एक दो दिनों में रखेंगे, आपकी भी एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग रखेंगे जैसे पहली बार एक बार हुई थी। तो सर दिक्कत है रजा साहब को, आपके सर मुझे एक्चुअली छोटा बेबी है, ये तंग कर रहा था। मेरा बेबी भी मेरे साथ है, इंशाल्लाह ये भी करेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलिए डॉक्टर साहब आपका नेटवर्क थोड़ा सा वीक है, हम दूसरी जगह चलते हैं तब तक, फिर कल परसों आपकी मीटिंग भी रखेंगे इंशाल्लाह। 2G का हम सर। चलो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू सो मच। एजाज साहब क्यों ना हम देखेंगे, हमारे बीच में एक शख्सियत रोजाना लगातार बैठे रहते हैं, हम देखेंगे इनको, देखना चाहेंगे कि ये कौन सी हस्ती हैं। ये भूपिंदर कुमार हैं, लगातार हमारे साथ बने रहते हैं। आज मैं इनको अनम्यूट करके इनकी आवाज के लिए हम तरस रहे हैं, थोड़ा सा इनका सुनेंगे। मुझे तो रजा साहब की बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है। ये बाबा साहब ये हमारी टीम में, कोई टेंशन नहीं है, मेरे से बड़े आदमी है ये, अगर बोलेंगे तो अच्छी बात है, नहीं बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है सर, ठीक है, हमारे तो मेहमान है सर। मेहमान से हाँ बिल्कुल, मेहमान साहब आएंगे तो बहुत बढ़िया लगेगा, और बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है। कहना चाहेंगे तो बढ़िया है, नहीं कहेंगे तो कोई बात। हेलो जी भूपेंद्र साहब, वेलकम भूपेंद्र जी। हाँ नमस्कार सर जी। वो मैं ये हर रोज दूसरे दिन बोलते हैं तो मेरे को बताना था, मैं भूल जाता हूँ, तो मैं इम्तियाज साहब को बता देता हूँ, क्योंकि अपने घर के आदमी है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन ये है कि आपको दो शब्द बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा। जी जी, देखो परिवार के सदस्य है तभी तो हम मीटिंग ले रहे हैं। जी, जी, मुझे जी, बहुत अच्छा लगता है इनके साथ में जब मीटिंग लेते हैं तो इनकी जो भी है हमें जो मोटिवेट करते हैं बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं महसूस करता हूँ कि मैं इनसे कुछ ना कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। वैसे मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है मीटिंग में बैठ के, मुझे बोलना इतना अच्छा नहीं लगता जितना सुनने में आनंद आता है। तो मैं यही वैसे भी कश्मीर की तो जो लैंग्वेज इतनी मीठी है, जी जी जी, वैसे गदगद हो जाता सुन के। जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी, लैंग्वेज जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और सभी जितने पैनल में सदस्य बैठे हैं मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, मुझे आपने बोलने का मौका दिया, और सभी को तहे दिल से धन्यवाद। बेटर चांस बेटर लाइफ। थैंक यू
थैंक यू। अभी हम चलते हैं, हमारे बीच में है रुतबा, रुतबा से मिलते हैं एक बार, तो उसके बाद में हमारा सेशन जो हमारे गुरु के सेशन को सुनना है। रुतबा, मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप कुछ कहना चाहेंगे प्लीज, आप बोल सकते हैं। सर मुझे तो बिल्कुल आवाज नहीं अभी आ रही थोड़ी। नहीं, आपकी आवाज तो आ रही है। चलिए हम चलते हैं, हमारे बीच में एक और सेलफोन है रेडमी, ये भी लगातार बने रहते हैं, इनको मैंने अनम्यूट किया है, प्लीज आप कुछ कहना चाहेंगे तो प्लीज आप कहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। वेल माय नेम इज रुतबा एंड आई एम फ्रॉम दलगेट श्रीनगर। एज फॉर माय क्वालिफिकेशन इज कंसर्न, आई हैव रिसेंटली क्लियर माय प्लस टू, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं तहलील नजीर जो उसकी सिस्टर बता रही हूँ। वेरी ग्रेट, वेलकम, आपका बहुत बहुत वेलकम है। हाँ जी सर, सो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरी पहली क्लास है, सो मैंने पहली क्लास ली, सो एज आई नो कि दैट क्लासेस हो रहे थे, पहले प्रोफाइल का आया, सो मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट का था, एंड देन प्लानिंग, माशाल्लाह बासित सर तो इनका मतलब जितना भी बोले वो कम है, मतलब मैं आपको मतलब दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनकी टियांस जो है बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, दैट्स इट। और कुछ भी रुतबा जी, आपको कल से मेजबानी करने हैं, अपने मेहमानों को बुला के आपको यहाँ पे टीच देना होगा, यहाँ पे एक ही डिग्री काम करती है, एल टी और डी, लर्न टीच और डुप्लीकेट करते जाओ। हाँ जी सर, हाँ जी, तो एज अ देखिये कितनी बेहतरीन जो है तालील टीचर बन चुकी है, बल्कि वो लीडर बन चुकी है, हम उनसे सीख रहे हैं, ठीक है ना? हाँ जी सर, हाँ जी, तो आप उससे आगे जा सकते हैं इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी यहाँ पे हमारी एक और सिस्टर है श्रीनगर से, इनसे भी मिल लेते हैं एक बार, हसीना बहन से। हसीना जी, बहना मैं आपको सलाम करता हूँ और अनम्यूट कर दिया, कुछ कहना चाहेंगे आज एक मिनट के लिए? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, आप ठीक? हम ठीक, सभी ठीक, जब भी बोल रहे हैं सर अच्छे से हो रहा है, इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा बढ़िया हो जाएगा। जी जी जी, हाँ, आपकी दुआओं से और जो हमारे अपलाइन है बालबन सर, सर जो हमें गाइड कर रहे हैं, सिखा रहे हैं, उसका भी शुक्र अदा कर रहे हैं। और पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र करूंगी, और उसके बाद जिस उस शख्स का जिसने मुझे ये रास्ता दिखाया, ये इस रास्ते में तो हमने बहुत कुछ सीखा, पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, पैसे हमारे पीछे भागने चाहिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हाँ, तो सीखो और दूसरों को सिखाओ, फिर खुद कमाओ, वही हमारा सही, काम है। सही सही, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इश्तियाक जी, आपसे भी कुछ सुनना चाहेंगे, इश्तियाक जी फाइनल हम चलने जा रहे हैं हमारे सर के पास, उससे पहले कि आप एक बार थोड़ा सा अपना जो है कुछ बताइए, आप कहाँ पे हैं? इंटरनेट बंद है, तो मुझे जूम मीटिंग के लिए बारामूला आना पड़ा, तो जूम मीटिंग अटेंड करनी थी, तो लेट हुआ, तो अटेंड कर पाया, तो मैं एजा साहब के घर में रुका हूँ, हम भी खाना खा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि जूम पे हमें नए नए चेहरे देखने को मिलते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है, तो मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि हम सबसे बहुत कुछ सीखते हैं और इंशाल्लाह सीखेंगे आगे, ऐसे ही सीनियर से सीखते हैं, बल्कि जो हमारे जूनियर्स हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखते हैं, तो मैं सबका शुक्रिया करता हूँ, खासकर जो बहुत अच्छा बोला, तो सबका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे बोलने का मौका दिया, बेटर ट्यांस बेटर लाइफ, तो थैंक यू सो मच, आप सबका जो है इस प्रोग्राम में वेलकम है। अब कुछ और भी साथी रह गए हैं, कल जो है आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले अभी हम जिस चीज का इंतजार कर रहे हैं, जहां से हमें असल में जो वोल्टेज मिलती है, जहां जिसको बिजली ग्रिड कहते हैं, तो फिर सप्लाई पूरे शहर को चली जाती है, तो आज अभी हम उस ग्रिड को आप मिलाने जा रहे हैं, क्योंकि कल उनसे मौका नहीं मिला ज्यादा, क्योंकि कल शेख जैद जी ने बहुत हंसाया हमको जूम पे ही,
जैसे हमें लगा कि हम आमने सामने किसी खेत खलियान बगीचे में बैठे थे और वो जोक सुना रहे थे। तो सो आज हम चलेंगे हमारे सर जिनकी वजह से इस इंडिया में आज लाखों लोगों की तकदीर बदली है, जिंदगी बदली है, और जो जिनको हम मानते हैं कि वो हमारे गुरु है, वो हमारे जो है शिक्षा देने वाले हमारे उस्ताद हैं, तो हम उनको उनका सुने, कान खोल के नहीं बल्कि दिल को खोल के उनकी बातों को सुने और समझे आज उनको जो है वो क्या कहना चाहेंगे। तो 5 मिनट वो ले ही लेंगे कम से कम, तो उसके बाद जो है प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। थैंक यू सर, मैं आपका मोस्ट वेलकम सर, आपका स्वागत है, आपका वेलकम है, अगर आप पैनल चैनल में अवेलेबल है। वैसे आपने तो हमेशा जो है आप सर खड़े रहते हैं वन मैन आर्मी की तरह, सर वी सल्यूट यू, आई सल्यूट यू सर, सबकी तरफ से मेरा जो है आपका वेलकम है, सबकी तरफ से आपका जो है हम खुश आमदीद करते हैं सर। मिस्टर पाल सर। यस सर। सर प्लीज प्लीज कैरी ऑन। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर। और सुनाओ सब ठीक है? बिल्कुल आप सुन रहे हैं सब ठीक है सर? सब छाए पड़े हैं। सब छाए पड़े हैं सर, जबरदस्त। अभी तो वही है, लगे पड़े हैं। अभी आज प्रोग्राम हुआ था ना, उसकी बड़ी फीडबैक आ रही है, मजा आ गया, मजा आ गया। मैं कहा चलो मजा आना चाहिए सबको। जी जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल जी, मजा आना चाहिए। काम है खुशी बांटना, खुश रहो खुशी बांटो, है ना? जी 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 yes. और जो लोग आपसे जलते हैं ना वो वैसे ही मर जाएंगे, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपका खुश रहना ही उनके लिए सजा है। वाह क्या बात, क्या बात। और कश्मीर में खास तो अभी सख्त जरूरत है कश्मीर में आप लोगों को खुश होने की। जी 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 जी। आपने देखा अभी आज एक वीडियो भेजी है मैंने आप, क्योंकि उसमें नहीं है ना सर आप लोग क्या बोलते फेसबुक वगैरह में, मतलब वहां पे सिग्नल की प्रॉब्लम है ना अभी। जी जी। तो एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, नेट पे रहो आप, हर रोज कुछ ना कुछ कार्यक्रम होना चाहिए ना अलग से हटके। जी जी। देखो आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, ये है जी हमारा फेसबुक। ये है आज मैं आपके पोस्ट भी चेक करता हूँ, ये हेडक्वार्टर का है। लेटेस्ट कल के प्रोग्राम की फोटो ही है। ये सारी जो है ना टॉप मॉडल्स हैं, ये मर्सिडीज का एस क्लास, इंडिया में लगभग 1.5 करोड़ की गाड़ियां हैं ये, वहां के टॉप लीडरों को कल बांटी है कंपनी ने। जी। तो इस तरह के फंक्शन जो है ताजा, और भी बहुत सारे फोटोग्राफ्स थे जो मैंने कल भेजे भी, आप लोगों के पास आए भी होंगे ग्रुप में देखे हमने। तो तहलका जो है चल रहा है जबरदस्त तरीके से, 83 बल्ले बल्ले, ठीक है ना। और जैसे आपने पीपीटी में देखा है अभी टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क के अंदर हमारे फरवरी में फुल डे नास्डेक की स्क्रीन पे जो है टियांश जिंदाबाद, ठीक है। कहने का मतलब टियांशी का जो झंडा है वो बुलंद है और बुलंद रहेगा, 25 साल पुराना झंडा है, मजबूती के साथ पूरी दुनिया में छाया पड़ा है। अब बात आती है हमारी और आपकी, ये झंडा अब हमारे हाथ में आ गया तो हमें और मजबूत करना है। देखो झंडा तो पहले भी मजबूत था, आगे भी मजबूत रहेगा, लेकिन मेरा क्या रोल है ना ये सबसे इम्पोर्टेंट है, और जितना मैं रोल निभाऊंगा उतना ही मुझे फायदा भी मिलेगा उसका, है कि नहीं? जी जी। तो सबसे बड़ी बात होती है कि इस बिजनेस में मैं भी एक पहाड़ी हूँ, मैं हिमाचल में पैदा हुआ है, हिमाचल में मैंने अपना पूरा बचपन बिताया है, बिल्कुल ठेठ पहाड़ी हूँ मैं, ठेठ पहाड़ी जिसको बोलते हैं ना आप, सारे खेतों के काम बचपन में सारे, मैं 8 सुबह 8 किलोमीटर जाता था स्कूल, और रात को शाम को मैं 8 किलोमीटर पैदल, 16 किलोमीटर चलता था मैं 10वीं तक, सोचो आप, मतलब 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं मैं डेली 16 किलोमीटर चलता था पैदल, सुबह 8 किलोमीटर शाम को 8 किलोमीटर। तो इतनी मेहनत की हमने और खेती बाड़ी सारी की, और पशु भैंसे एक सॉरी बकरियां है ना, इनको चलाना खेती बाड़ी करना सब काम किया मैंने। फिर मैंने सोलन हिमाचल प्रदेश में फेमस जगह है, वहां पे आके मैंने
आगे की प्लस वन प्लस टू और कॉलेज में वहां पढ़ाई लिखाई की। तो कहने का मतलब है उसके बाद में नौकरी की तलाश में दिल्ली आ गया, एक साल नौकरी की, एक साल में पता लग गया आटा दाल चावल चीनी के रेट पता लग गए, है ना। सपने तो देखे थे कुछ और, हो कुछ गया और ना तेरी उसमें क्या हो, क्या से क्या हो गए हम, वो हो गया हमारा सोचा क्या था, हो कुछ और गया, ठीक है। फिर मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया, डोर टू डोर सेलिंग, घर घर जाके माल बेचा मैंने, चार पांच साल तक यही काम किया। हाँ नौकरी से बढ़िया था, लेकिन एक बात पता लगी मेरे को पूरी जिंदगी, भाई साहब मर जाऊंगा कर करके, ऐसे मरूंगा मैं कर करके। और फिर अचानक मेरी जिंदगी में नेटवर्किंग आ गई, फिर नेटवर्किंग ने तो भाई साहब पूरे क्या बोलते ना वारे नारे कर दिए। देखते देखते ही जो सोचा था ना, कभी सोचा भी नहीं था, वहां पहुंचा दिया। एक साल के अंदर, दो साल के अंदर, तीन साल करते करते, जैसे आप जानते ही हैं, अब त्यांशी ने, अगर मैं लास्ट ईयर की बात करता हूँ, मोर देन 1 करोड़ की अर्निंग्स हैं, और इस साल भी मेरी मोर देन 1 करोड़ की अर्निंग्स। अगर मैं अभी भी देख रहा था, आज का भी पे आउट जो है लगभग 6.5-7 लाख के बीच का है, ठीक है, TDS काट के। बढ़िया नहीं है? आज आप शायद पैनल में, आज हमारी पैनल बहुत बढ़िया सुपर सर जी सर। तो ये जितने वीडियो बना के भेजते हैं ना सर, उनको बोल सकते हो, इनके भी तो, इनका भी तो वीडियो बना के भेजा करो ना, कि त्यांशी में कौन कौन कमाते पैसे, है ना। तो कई बार लोग मजे ले रहे होते ना, वो कभी-कभी, वो पता क्या करते हैं, जब डाउन वाला चेक होगा ना, वो दिखाएंगे लोगों को। तो क्या फर्क पड़ता है सर हमारे, तो मैं बताऊं कि अगर चेहरे, ये बोलते नहीं है कि, अब क्या बोलूं मैं, ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं। कुल मिला के ये स्टोरी है कि अभी आपने देखा भी होगा, अभी मेरा प्रोग्राम था इससे पहले, उस प्रोग्राम में सोनल बहन है हमारी गुजरात से, उनकी शेयरिंग थी। मैंने बोला सोनल जी आज तो मैं 95,000 रुपए आया होंगे आपको, क्योंकि जो मेन आईडी है ना उसमें 95 के आसपास का उनका बनता था पे आउट। तो उन्होंने पता क्या बोला कि नहीं नहीं सर ज्यादा आया है। मैं कितना आया है? नहीं नहीं कहते और भी तो आईडी है मेरे पास में, मेरे नाम पे 3 आईडी है, मेरे हस्बैंड के नाम पे 3 आईडी है, मेरे बेटे के नाम पे 3 आईडी है। कितनी आईडी है? 9 आईडी है। मैं कहता टोटल कितना आया आज ये बता दो। कहते TDS कट के 1.5 लाख रुपया। मैंने सुन रहा था। सुना था आपने? जी जी जी। हाँ आप होंगे उस टाइम प्रोग्राम में। तो कहने का मतलब मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सर, बल्ले बल्ले चक दे फटे, ठीक है, और मस्ती के साथ बिंदास होके ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड जो जैसा माथे में तिलक लगा सकते हो लगाओ, जबरदस्ती तिलक नहीं लगाना है। ब्रॉन्ज को ब्रॉन्ज का लगाओ वो गोल्ड हो जाएगा, सिल्वर को लगाओ गोल्ड का तो गोल्ड होना ही जाना है, टारगेट सबका। लेकिन मैंने बताया ना आपको, आज आपने वो भी सुना होगा, सोनल बेन ने अपनी आईडी पे, एक आईडी पे तो 6.5-6 लाख की परचेजिंग हो चुकी है ना। अभी तीन चार साल हुए उनको इस बिजनेस में, 3.5 साल में 6.5 लाख की परचेजिंग अपनी आईडी में हुई है। टोटल सारी आईडी को मिला के बोल रही थी वो, 10 लाख से ज्यादा की परचेजिंग हो चुकी है अपनी आईडी में। और यहाँ पे लोग 1320 रुपए में मर जाते हैं भाई साहब, मेंटल सिकनेस देखो लोगों की। लाखों रुपए कमाना चाहते हैं, 1320 रुपए में जान निकल जाती है, क्या कमाओगे? चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं। वो फिर वो उन कंपनियों को ढूंढते हैं, सस्ती कंपनी, मरी हुई कंपनी, जिसके मालिक भी जेल में 50-50 करोड़ का गबन करके गवर्नमेंट का जेल की हवा खा रहे, ऐसे ऐसे मालिक हैं कुछ कंपनियों के, थे उसमें जाके हवा खा रहे। बताओ, मैं तो पागल हो जाता हूँ सोच के, ऐसी कंपनी में लोग जाते कैसे हैं यार, जिस कंपनी का मालिक 50 करोड़ का गबन करके बैठा हो। ये है ना जो नोट ओके, सुना होगा आपने नोट ओके, तो नोट ओके कैसे हुआ था? नोट ओके ऐसे हुआ था 50 करोड़ रुपए का गबन किया था, नहीं तो गूगल में जाओ पता लग जाएगा। अभी पिछले महीने की बात है, 1.5 महीने पहले, सीधा अंदर। अब बताओ लोग वहां भी कूद जाते हैं। एक कंपनी को गूगल करो, गूगल उस कंपनी का नाम डालो, आगे थ है और पीछे वे है, उसमें देख लेना, गूगल करना, ढूंढते रह जाओगे, कंपनी मिल जाए कहीं पे। बताओ वहां कूद रहे भाई साहब, मरना ही था तो कहीं ऐसी जगह में मर जाते, कुछ तो होता, लेकिन कुछ लोगों को पता ही नहीं है। अब मैं आज बात की मैंने एक सीनियर बंदे से, बताऊं आपको, मैं तो छोड़ता थोड़ी हूं, मैंने बोला क्या चल रहा भैया, पता क्या बोलता है? कहते सर एक चाइनी से कूद के ना दूसरी चाइनी में गलती कर दी मैंने, आप समझ रहे हो? मैं कहा पहली चाइनी की तो बात मत कर, मैं कहा ये पहली चाइनी जो है ग्लोबल है, ग्लोबल ओरिजिनल, ग्लोबल नेचुरल जेन्युइन, ठीक है, और दूसरी तो है ही नहीं, तुम नकली में कूदोगे तो मरोगे। कहते जी बस क्या हो गया, गलती हो गई। मैंने बोला कि ऊंट जब बुरा वक्त आता है तो इंसान को ऊंट पे बैठे भी काट लेता है। तो लीडर वो पता क्या बोलता मेरे को कि सर मेरा तो ऊंट ना उस टाइम बैठ गया था जमीन पे, इसलिए काट गया।
मैं क्या बात है यार, मैं ये तो नया नई नई बात पता चली मेरे को आज, यहाँ वो जो सुना था ना मैंने, ऊंट पे बैठो तो कुत्ता काट जाता है, इसका मतलब जब वक्त खराब आता है तो उस टाइम ऊंट भी नीचे बैठ जाता है, इसलिए कुत्ता काटता है, क्योंकि ऊंट पे तो काट नहीं सकता है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास प्रमोशन बहुत अच्छी चल रही है, माहौल बड़ा शानदार है त्यांशी का। और एक चीज मैं और बताता हूँ, मैं आपको, मैं आज किसी से बात कर रहा था, मैं कह, ऐसा कुछ होगा नहीं, भगवान ना करे, अगर चाइना में अमेरिका का बम गिर, इंडिया का बम गिर जाए, या इंडिया का बम चाइना में गिर जाए, कुछ भी हो जाए एग्जांपल, मैं कहा जब भी कुछ नहीं होने वाला भाई साहब, आपको पता ही नहीं है, आपको पता है मैं कहा विश्व युद्ध कितने हुए, इंग्लैंड ने मैं कहा सबके साथ झगड़ा किया और सबको गुलाम बनाने की कोशिश की और सबको लूटा भी है, बताओ कितने लोग है जो इंग्लैंड का विरोध करते हैं, अमरीका का इंग्लैंड का झगड़ा हुआ, अमरीका का रशिया का झगड़ा हुआ, इंग्लैंड का, ये कोई देश ऐसे नहीं है जो आपस में लड़े ना हो, ये दुनिया चलती रहनी है ऐसी। आपको मैं बताता हूं, अमेरिका का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इस टाइम चाइना में, अमेरिका की सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का जो है रॉ माल जो है चाइना में बनता है, लेकिन आए दिन देखो अमेरिका का राष्ट्रपति चाइना की बदले वो करता है ऐसी तैसी करता है, और चाइना वाला अमेरिका की करता है, लेकिन सब कंपनियां चल रही हैं, ठीक है। ये टिकटॉक क्या था, टिकटॉक बंद करने से कुछ नहीं होता, ये करते भी वहीं पे है टिकटॉक ना, जहां को पता है टिकटॉक करना है, थोड़ा बताना भी तो है, थोड़ा कुछ किया हमने, ये टिकटॉक करना है इसलिए टिकटॉक किया है, ऐसे कोई टेंशन ही नहीं। हाँ क्या बात, मैं आपको बता दूं, जब तक ये दुनिया रहेगी पड़ोसी को नहीं बदल सकते आप, ध्यान रखना, आप सब कुछ बदल सकते हो। यस यस, अमेरिका की कंपनी हो तो टेंशन होनी चाहिए सर, अमेरिका की कंपनी हो तो टेंशन होनी चाहिए, रशिया की कंपनी हो तो टेंशन होनी चाहिए, ईरान इराक तुर्की वगैरह की कंपनी होती तो टेंशन होनी चाहिए, हमारी पड़ोसी की टेंशन कैसे होगी, एक ही बॉर्डर है भाई, रहना ही साथ है, जीना भी साथ है, मरना भी साथ है, ठीक है ना, टेंशन नॉट फिकर नॉट। मैं तो एक बात बोलता हूँ, वैसे कोई टेंशन है भी नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ किसी के दिमाग में आ जाए तो बिल्कुल आना ही नहीं चाहिए, वसुदेव ही कुटुंबकम। और भारत ने आज तक जिंदगी में कभी, पिछले सदियां बीत गई, हिंदुस्तान ने कभी किसी पे अटैक किया भी नहीं है, करेगा भी नहीं, ठीक है ना। हाँ, गलत लोगों के ऊपर तो कर सकता है, मतलब कोई गलत कर ले तो हो सकता है, लेकिन ऐसे कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, ना होनी है। अब बहुत, अब तो मैं बता रहा हूँ, ये सिर्फ हवाबाजियां हैं, और कईयों की तो गद्दियां उतरने वाली है, सुना है आपने कि गद्दियां निकलने वाली है, गद्दियों से उतरने वाले हैं इसी चक्कर में भाई, इंडिया का, अगर इंडिया के साथ थोड़ा आंखें भी दिखाओगे ना तो आंखें फूट जाएंगी, इंडिया की तरफ टेढ़ी नजर करोगे तो नजर टेढ़ी हो जाएगी, समझ गए। तो हिंदुस्तान के साथ सब बढ़िया होने वाला है, हिंदुस्तान पूरी दुनिया का दोस्त है, और हिंदुस्तान के लोग सबके दोस्त हैं, पूरी दुनिया के दोस्त हैं, और पूरी दुनिया हमारी दोस्त है, ये थोड़ा बहुत चलता रहेगा, दिवाली दशहरा चलता रहेंगे, बम पटाखे फूटते रहेंगे छोटे मोटे, टेंशन नहीं लेने का है। नंबर दो, क्यांस के पास प्रोडक्ट जो है सुपर 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 सुपर, 45 सिलेक्टेड प्रोडक्ट है हमारे पास में। हाँ, एक बात मैं जरूर कहता हूँ, परफेक्ट कुछ नहीं है इस दुनिया में, परफेक्ट कुछ नहीं है, अगर आप परफेक्ट की उम्मीद कर रहे हो फिर आप गलत हो, इस दुनिया में बता दो कोई भी चीज परफेक्ट हो, नथिंग बट बेस्ट 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 है, बेस्ट है मतलब गुड बेटर बेस्ट कंपैरिजन में, अगर हम कॉर्डिसेप्स की बात करें कंपटीशन ही नहीं है, हर चीज का रामबाण औषधि का नाम है कॉर्डिसेप्स, चिटोसन क्या बात है, चिटोसन चिटोसन दे दो, कॉर्डिसेप्स दे दो, हार्ट की डिसीज है, बीपी की डिसीज है किसी को, स्किन के इश्यू है किसी को, स्टमक का इश्यू है किसी को, भाई साहब मैं बोलता हूँ ये तो वाकई में चमत्कार है, चमत्कार। त्यांशी में मैं सोचता था ये त्यांशी के सुपरस्टार प्रोडक्ट क्यों बने, तो जब हम खा रहे हैं, हम लोगों को दे रहे हैं, लोगों को फायदा हो रहा है, और जब इसके गुण हम देख रहे हैं, उन गुणों को देख के तो ऐसा लगता है भाई साहब हम तो सोने की नहीं वो कुबेर के खजाने के ऊपर बैठे हुए, अब तो पैसे निकालने नीचे से ऐसे करके, ये नीचे से पैसे निकालो, इधर से निकालो, लेफ्ट से पैसा, राइट से पैसा, लेफ्ट से पैसा, राइट से पैसा, बस लेफ्ट और राइट में काम करते रहो, पैसा ही वैसा, पैसा ही पैसा, तो काम करना पड़ेगा, काम का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, मैं बोलता हूं टिके रहो और लगे रहो, टिके नहीं रहना है, टिके रहना है साथ में लगे रहना है, और इसी में काम हो जाना है, बाकी आपके पास में इतनी शानदार लीडरशिप है, बाबा इम्तियाज जी हैं, शेख अबू जाहिद साहब हैं, 2-स्टार गोल्ड हिंदुस्तान के, राइट, और बाकी एजाज डार साहब हैं, नाजीर साहब हैं, है ना, ये हमारे बासित साहब हैं, तहरील साहब हैं, इश्तियाक जी हैं, है ना, एजाज डार साहब हैं, और डॉक्टर साहब हैं,
और आज की मैम आए थे, एक्चुअली मेरे को फोन आ गया, मैं सुन रहा था, बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं हालांकि आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, आप देख लो ऊपर रिकॉर्डिंग हो रही है, ये सब ऊपर जा रहा है उसमें यूट्यूब में, यूट्यूब में एंजॉय करो अपने आप को, जो रह गया ना मिस कर गया उसको बोला भैया यूट्यूब में देख लेना। आप लोगों, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे बाबा इम्तियाज जी से, आप मुझे इन लीडरों के फोटो भेज दिया करो हर रोज प्रोग्राम के बाद में, ताकि इनके पोस्टर लगा के मैं उसमें चढ़ा दूंगा, ठीक है ना। हर रोज के प्रोग्राम की आपकी वीडियो अपलोड हो रही है, और मेरे को थोड़ी धर्म संकट यह रहती है कि कौन कौन है। तो अब जैसे आज के प्रोग्राम के आप मेरे को फोटो भेज देना, पिछले कल का आपको याद है किसने बोला था, तो उनकी पोस्टर लग जाते हैं, और यूट्यूब में जाओ, खुद भी सुनो, समझो भी, और प्रमोट भी करो। तो मैं इतने कहना चाहूंगा कि आज के समय के हिसाब से इतना ही, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ बोलते ही है, तो सारी बातें एक ही दिन थोड़ी बोलनी है, क्यों बाबा साहब? जी इम्तियाज साहब आवाज आ रही है? जी 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 थोड़ा सा फट्टे चकने चक दो फट्टे। यस सर, यस सर। झंडे गाड़ने, झंडे लिखना है क्रांति। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। हाँ जी, अभी मैं चाहूंगा कि हमारा प्रोग्राम जो है डेली 8:50 पे स्टार्ट होता है, तो हम इसको 8:30 पे करना चाहते हैं। अच्छा, तो थोड़ा सा जो अभी का टाइम में जो है सेशन खत्म हो चुका होता है। जी जी, तो लोगों को ना नींद भी प्यारी है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस वजह से चाहते हैं हम थोड़ा आधा घंटा पहले ही प्रोग्राम हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसमें एक ही चीज कहना चाहूंगा कि कभी कभी आपको ऐसा हो सकता है उसमें 5-7 मिनट ना लेट भी हो सकते हो आप, क्योंकि उससे पहले जो प्रोग्राम चल रहा होता है, तो कभी कभी जो पीक पे होता है ना, पीक पे बिल्कुल गर्म लोहा, तो उस टाइम हमें उसको एक्सटेंड करना ही पड़ता है, हम चाह के भी नहीं करना चाहते उस टाइम की, भैया माहौल बना होता है, उस माहौल को इनकैश करना होता है, और वो कभी कभी होता है 5-10 मिनट लेट भी होता है, तो आप ये साइकोलॉजिकल तैयार रहना। हाँ, ये हमारे लिए अच्छा रहेगा सर, वो हमारे लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए काम करेगी। बिल्कुल, आपके लिए अच्छा ये भी रहता है कि उस टाइम शेयरिंग चल रही होती है, तो आप में से बहुत सारे लोग शेयरिंग सुन सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है सर, 8:30 बजे करिए कल से आप, बहुत अच्छी बात है, और हमको एक्सपेरिमेंट करते रहना है, और जो चीज बेस्ट होगी वो आगे करना है कंटिन्यू, फिलहाल अभी एक्सपेरिमेंटिंग टाइम है, हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम सर। तो बहुत अच्छा लगा, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, थैंक यू वेरी मच, सी यू एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।